हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है पीपा तो पिपा एक हिंदी लैंग्वेज फिल्म है तो इस फिल्म को कैसे कहाँ पे आप ऑफिशियली देख सकोगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत की जाएगी जहाँ पे प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है साथ ही में फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ इसके अलावा इस फिल्म की स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है फिल्म से जुड़े जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो पाते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो आज का हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं पिप्पा जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा ये फिल्म की कहानी है वो कैप्टन बलराम सिंह मेहता के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे वो इंडिया के फोर्टी फिफ्थ कैलेवरली रेजिमेंट थे और इसके साथ में उनके साथ जिस तरह से इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 सेवेंटी वन में जो घटनाएं घटी थी वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है बेटल ऑफ गरीबपुर नाइनटीन वन से इस फिल्म के रियल लाइफ इंसिडेंट को इंस्पायर किया हुआ है डायरेक्शन किया हुआ राजा कृष्णा मेनन ने राजा कृष्णा मेनन की ये एज अ डायरेक्टर के तौर पे आ, करीबन पाँचवीं छठी फिल्म थी इससे इससे पहले उन्होंने 2003 में बस यूं ही करके फिल्म से डायरेक्शन की शुरुआत की हुई थी 2009 में बारह आना बनाई थी उन्होंने उसके बाद में उन्होंने 2016 में एयरलिफ्ट फिल्म बनाई 2017 में सेफ फिल्म बनाई और दो में पिपा फिल्म लेके आए हुए स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में उन्होंने ही काम किया हुआ है जहाँ पे रविंद्र रंधावा तन्मय मोहन इन दोनों ने उनको राइटिंग में मदद की हुई थी रोनी स्क्रूवाला सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था आर एस वी पी मूवीज रॉय कपूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अमेजन प्राइम वीडियो के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यूए था जहाँ पे एक सौ उनचालस मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया होता था क्योंकि फिल्म पहले थिएटर में रिलीज होने वाली थी यानी कि फिल्म दो घंटे उन्नीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसकी टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी प्रिया सेठ ने की हुई एडिटिंग है वो एव हेमांति सरकार ने की हुई जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में ए आर रहमान ने काम किया हुआ है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने ही कंपोज किए हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तोान खत्तर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने कैप्टन बलराम सिंह मेहता का रोल प्ले किया हुआ है गुरुाल ठाकुर ने राधे मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रियांशु पाइनुली ने मेजर राम मेहता का रोल प्ले किया हुआ है रोनी रसदान ने सोनी रजदान ने इस फिल्म में मार्टी का रोल प्ले किया हुआ है इनामुल हक को सिविल का रोल दिया गया था वहीं पे सूर्यांश पटेल ने रामपाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुज सिंह दुल्हान को दुहान को इस फिल्म में स्पीडी का रोल मिला हुआ है कमल सदनाहा ने इस फिल्म में फील्ड मार्शल राम मैनेक्सो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा चंद्रचूर राय इस फिल्म में जेब के रोल में देखने को मिलेंगे सोहम मजमूदार ने निर्बान का रोल प्ले किया हुआ है लेसन करीमोवा ने रशियन ट्रांसलेटर जेना का रोल प्ले किया हुआ है

बेचा गया था जहाँ पे प्रीमियर करवाया गया था ट्रैक लिस्टिंग करे गानों की तो राम पेज करके जो गाना है उसको एम सी हेम ने लिखा हुआ था एम सी हेम और क्रिस्टल गरीब ने उसको गाया हुआ था मे परवान करके जो गाना था उसको सेल लेने लिखा हुआ था रिजी सिंह ने उसको गाया हुआ था जज्बात गाने को सेल लेने लिखा हुआ था जो भी नोटअल शिल्पाव के द्वारा गवाया गया था करारोई उलोच का पात करके जो गाना था उसको काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा हुआ था राहुल दत्ता तीर्था भट्टाचार्य जी पी सी दास रेया पोल सालिनी मुखर्जी और दिलासा चौधरी ने उसको गाया हुआ था मोहब्बत सुक्रिया गाने को से लेने लिखा हुआ था विशल मिश्रा और सुदेन डी मेलो ने उसको गाया हुआ था ये टोटल पांच गाने थे जिसके जिसकी लेंथी उन्नीस मिनट उनचालीस सेकंड इसको रिलीज़ किया हुआ है सात नवंबर 2023 को जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा फिलहाल मेरे सभी गाने आपको वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी नाइन्टी वन सेवेंटी वन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है कैप्टन बलराम सिंह मेहता के एंगल से इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इसके अलावा इस वॉर के अभी तक जितने वॉर फिल्में देखी होगी आपको वॉर के ऊपर फोकस किया हुआ नजर आएगा इसमें इक्विपमेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है कौन से हथियार को लेकर इस फिल्म में लड़ा गया था किस तरह से क्या चीज़ें की हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई हुई है जहाँ पे ईशान खत्र के परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं मृणाल ठाकुर प्रियांशु सभी लोगों ने अपना कामबाखू भी निखा निभाया हुआ था सभी की डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज परफॉर्मेंसेस अच्छी थी हाँ ईशान खत्तर के अलावा कोई और पर्सन रहता इस रोल के लिए तो ज़्यादा फिट बेहतर जो मेच्योर लग सके क्योंकि वो इसमें एक बॉयज टाइप का लुक उनका नजर आता है एक फील नहीं हो पाता कि ये क्योंकि जो उनके आसपास के एक्टर्स थे कैरेक्टर थे वो जिस तरह का उनका लुक तैयार हुआ था जिस तरह से वो फिल्म में दिख रहे थे उनके फिजिकली अगर विजुअली देखने कोशिश करें तो परफॉर्मेंसीस उनकी अच्छी थी लेकिन वो सूट नहीं हो पा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म में डायरेक्टर ने बखूबी सभी एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई हुई है उनका डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आता है जहाँ पे वो सीक्वेंस देखने को मिलते हैं जिसको अच्छी तरह से दिखाया हुआ था राइटिंग में कुछ जगह पर इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है वहीं पर कुछ जगह जगह पर ठीक ठाक भी नजर आती है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी नज़र आती है नेट प्रोडक्शन वैल्यू थी स्टार कास्ट में ईशान खत्तर मनोलाल ठाकुर प्रियांशु सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी एक अवल दर्जे की देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उन सभी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था वोर वाले सीन्स में भी जिस तरह से बीजेम बज रहा था जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो बढ़िया थी उन सभी चीज़ों को सिनेमाटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ है कैमरा वर्क इस फिल्म का काफ़ी शानदार नजर आता है बेस्ट पॉसिबल वे में इस फिल्म के पूरे सीनारियों को दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने बखूबी फिल्म के

प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक स्मार्ट डिसीजन लिया गया जहाँ पे इस फिल्म को अमेज़न के पास रिलीज़ करवाया हुआ है तो एक अच्छा डिसीज़न था ओ रिलीज के लिए फिल्म का जहाँ पे अमेजॉन के द्वारा फिल्म को रिलीज़ करवाया गया अमेज़न ने जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया तब इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ है और एक डिसेंट आईएमडीबी रेटिंग भी मिली हुई है जहाँ पे अच्छी प्राइस में राइट्स बेचे गए थे म्यूजिक के राइट्स थे वो सी को बेचे गए थे जहाँ पे शायद जी सिनेमा के पास भी सेटेलाइट के राइट्स हो सकते हैं इस फिल्म को 10 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया है जहाँ पे पिप्पा फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तो एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ आई एम डी पे करीबन पाँच सौ इक्यासी वोट मिले फिल्म को छः चे, पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म को एक अच्छी व्यवरशिप हासिल हुई थी अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो पिप्पा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिश सब अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पिपा फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली इन्जॉय करना है तो कर सकते हो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे पिपा जो दो हज़ार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जोनर है बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा ये फिल्म की कहानी वो कैप्टन बलराम सिंह मेहता के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे वो इंडिया के फोर्टी फिफ्थ कैलेवरली रेजिमेंट थे और इसके साथ में उनके साथ जिस तरह से इंडो पाकिस्तान वॉर नाइन्टीन सेवेंटी वन में जो घटनाएं घटी थी वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है बेटल ऑफ गरीबपुर नाइनटीन वन से इस फिल्म के रियल लाइफ इंसिडेंट को इंस्पायर किया हुआ है डायरेक्शन किया हुआ राजा कृष्णा मेनन ने राजा कृष्णा मेनन की ये एज़ अ डायरेक्टर के तौर पे आ, करीबन पाँचवीं छठी फिल्म थी इससे इससे पहले उन्होंने 2003 में बस यूं ही करके फिल्म से डायरेक्शन की शुरुआत की हुई थी 2009 में नौ में बारहाना बनाई थी उन्होंने उसके बाद में उन्होंने 2016 में एयरलिफ्ट फिल्म बनाई 2017 में सेफ फिल्म बनाई और दो में पिप्पा फिल्म लेके आए हुए स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में उन्होंने ही काम किया हुआ है जहाँ पे रविंद्र रंधावा तन्मय मोहन इन दोनों ने उनको राइटिंग में मदद की हुई थी रोनी स्क्रूवाला सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था आर एस वी पी मूवीज रॉय कपूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अमेजोन प्राइम वीडियो के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यू था जहाँ पे एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया होता था क्योंकि फिल्म पहले थिएटर में रिलीज होने वाली थी यानी कि फिल्म दो घंटे उन्नीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसकी टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी प्रिया सेठ ने की हुई एडिटिंग है वो हेमांति सरकार ने की हुई जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में ए आर रहमान ने काम किया हुआ है म्यूज़िक के राइट जी म्यूजिक कंपनी के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने ही कंपोज किए हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ईसान खत्तर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने कैप्टन बलराम सिंह मेहता का रोल प्ले किया हुआ है मृणाल ठाकुर ने राधे मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर प्रियांशु पाइनली पा, ने मेजर राम मेहता का रोल प्ले किया हुआ है रोनी रजदान ने सोनी रजदान ने इस फिल्म में माटी का रोल प्ले किया हुआ है इनाम उलहक को सिविल का रोल दिया गया था वहीं पे सूर्यांश पटेल ने रामपाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुज सिंह दुल्हान को दुहान

के जो गाना था उसको सेल लेने लिखा हुआ था अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था जज्बात गाने को सेल लेने लिखा हुआ था जो भी नोटियाल सील पर राव के द्वारा गवाया गया था करार वही उलोच कपात करके जो गाना था उसको काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा हुआ था राहुल दत्ता तीर्था भट्टाचार्य जी पी दास रेया पोल सालिनी मुखर्जी और दिलासा चौधरी ने उसको गाया हुआ था मोहब्बती सुक्रिया गाने को उसे लेने लिखा हुआ था विशल मिश्रा और सुदेन डी मेलो ने उसको गाया हुआ था ये टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथी उन्नीस मिनट उनचालीस सेकंड इसको रिलीज किया हुआ है सात नवंबर 2023 को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा फिलहाल मेरे सभी गाने आपको वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी नाइनटी वन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है कैप्टन बलराम सिंह मेहता के एंगल से इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इसके अलावा इस वॉर के अभी तक जितनी वॉर फिल्में देखी होगी आपको वॉर के ऊपर फोकस किया हुआ नजर आएगा इसमें इक्विपमेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है कौन से हथियार को लेकर इस फिल्म में लड़ा गया था किस तरह से क्या चीज़ें की हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म दिखाई हुई है जहाँ पे ईशान खत्तर के परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं मरुणाल ठाकुर प्रियांशु सभी लोगों ने अपना काम बखूबी निखा निभाया हुआ था सभी के डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज परफॉर्मेंसेस अच्छी थी हाँ ईशान खत्तर के अलावा कोई और पर्सन रहता इस रोल के लिए तो ज़्यादा फिट बेहता जो मेच्योर लग सके क्योंकि वो इसमें एक बॉयज टाइप का लुक उनका नज़र आता है एक फील नहीं हो पाता कि ये क्योंकि जो उनके आसपास के एक्टर्स थे कैरेक्टर थे वो जिस तरह का उनका लुक तैयार हुआ था जिस तरह से वो फिल्म में दिख रहे थे उनके फिजिकली अगर विजुअली देखने कोशिश करें तो परफॉर्मेंसेस उनकी अच्छी थी लेकिन वो सूट नहीं हो पा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म में डायरेक्टर ने बखूबी सभी एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है उनका डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आता है जहाँ पे वो सीक्वेंस देखने को मिलते है जिसको अच्छी तरह से दिखाया हुआ था राइटिंग में कुछ जगह पर इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है वहीं पर कुछ जगह जगह पर ठीक ठाक भी नजर आती है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी नज़र आती है नेट प्रोडक्शन वैल्यू थी स्टार कास्ट में ईशान खत्तर मनोलाल ठाकुर प्रियांशु सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी एक अवल दर्जे की देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उन सभी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था वोर वाले सीन्स में भी जिस तरह से बीजेम बज रहा था जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो बढ़िया थी उन सभी चीज़ों को सिनेमाटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ है कैमरा वर्क इस फिल्म का काफ़ी शानदार नज़र आता है बेस्ट पॉसिबल वे में इस फिल्म के पूरे सीनारियों को दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने बखूबी फिल्म के

प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक स्मार्ट डिसीज़न लिया गया जहाँ पे इस फिल्म को अमेज़ॉन के पास रिलीज़ करवाया हुआ है तो एक अच्छा डिसीज़न था ओ रिलीज़ के लिए फ़िल्म का जहाँ पे अमेज़ॉन के द्वारा फिल्म को रिलीज़ करवाया गया अमेज़ॉन ने जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया तब इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ है और एक डिसेंट आई रेटिंग भी मिली हुई है जहाँ पे अच्छी प्राइस में राइट्स बेचे गए थे म्यूजिक के राइट्स थे वो सी को बेचे गए थे जहाँ पे साइज जी सिनेमा के पास भी सैटेलाइट के राइट्स हो सकते हैं इस फिल्म को 10 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया है जहाँ पे पिप्पा फिल्म को जब रिलीज किया गया तो एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ आई एम डी पे करीबन पाँच सौ इक्यासी वोट मिले फिल्म को छः चे, पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म को एक अच्छी व्यवस्थिप हासिल हुई थी अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो पिप्पा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिश सब अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पिपा फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली इन्जॉय करना है तो कर सकते हो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे पिपा जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा ये फिल्म की कहानी वो कैप्टन बलराम सिंह मेहता के ऊपर बेस्ड है जहां पे वो इंडिया के, 45 के रेजिमेंट थे और इसके साथ में उनके साथ जिस तरह से इंडो पाकिस्तान वॉर नाइनटीन में जो घटनाएं घटी थी वो सभी चीजों के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है बेटल ऑफ गरीबपुर नाइनटीन से इस फिल्म के रियल लाइफ इंसिडेंट को इंस्पायर किया हुआ है। डायरेक्शन किया हुआ राजा कृष्णा मेनन ने राजा कृष्णा मेनन की ये एज अ डायरेक्टर के तौर पे आ, करीबन पाँचवीं छठी फिल्म थी इससे इससे पहले उन्होंने 2003 में बस यूं ही करके फिल्म से डायरेक्शन की शुरुआत की हुई थी 2009 में नौ में बारहाना बनाई थी उन्होंने उसके बाद में उन्होंने 2016 में एयरलिफ्ट फिल्म बनाई 2017 में सेफ फिल्म बनाई और 2023 में पिपा फिल्म लेके आए हुए स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में उन्होंने ही काम किया हुआ है जहाँ पे रविंद्र रंधावा तन्मय मोहन इन दोनों ने उनको राइटिंग में मदद की हुई थी रोनी स्क्रूवाला सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था आर एस वी पी मूवीज रॉय कपूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अमेजोन प्राइम वीडियो के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यूए था जहाँ पे एक सौ उनचालस मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया हुआ था क्योंकि फिल्म पहले थिएटर में रिलीज होने वाली थी यानी कि फिल्म दो घंटे उन्नीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसकी टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी प्रिया सेठ ने की हुई एडिटिंग है वो हेमांति सरकार ने की हुई जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में ए आर रहमान ने काम किया हुआ है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने ही कंपोज किए हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तोान खत्तर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने कैप्टन बलराम सिंह मेहता का रोल प्ले किया हुआ है गुरुाल ठाकुर ने राधे मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रियांशु पा पाइनोली ने मेजर राम मेहता का रोल प्ले किया हुआ है रोनी रसदान ने सोनी रजदान ने इस फिल्म में मार्टी का रोल प्ले किया हुआ है इनामुल हक को सिविल का रोल दिया गया था वहीं पे सूर्यांश पटेल ने रामपाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुज सिंह दुल्हान को दुहान को इस फिल्म में स्पीडी का रोल मिला हुआ है कमल सदनाहा ने इस फिल्म में फील्ड मार्शल राम मैनेक्सो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा चंद्रचूर राय इस फिल्म में जेब के रोल में देखने को मिलेंगे सोह मजमूदार ने निर्बान का रोल प्ले किया हुआ है लेसन करीमोवा ने रशियन ट्रांसलेटर जेना का रोल प्ले किया हुआ है

बेचा गया था जहाँ पे प्रीमियर करवाया गया था ट्रैक लिस्टिंग करे गानों की तो रामपेज करके जो गाना है उसको एम सी हेम ने लिखा हुआ था एम सी हेम और क्रिस्टल गरीब ने उसको गाया हुआ था मे परवान करके जो गाना था उसको सेल लेने लिखा हुआ था रिजी सिंह ने उसको गाया हुआ था जज्बात गाने को सेल लेने लिखा हुआ था जो भी नोटअल शिल्पाव के द्वारा गवाया गया था करार करारोई उलोच कपात करके जो गाना था उसको काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा हुआ था राहुल दत्ता तीर्था भट्टाचार्य जी पी सी दास रेया पोल सालिनी मुखर्जी और दिलासा चौधरी ने उसको गाया हुआ था मोहब्बत सुक्रिया गाने को उसे लेने लिखा हुआ था विशाल मिश्रा और सुदेन डी मेलो ने उसको गाया हुआ था ये टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथी उन्नीस मिनट उनचालीस सेकंड इसको रिलीज़ किया हुआ है सात नवंबर 2023 को जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा फिलहाल मेरे सभी गाने आपको वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूटूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी नाइन्टी वन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है कैप्टन बलराम सिंह मेहता के एंगल से इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इसके अलावा इस वॉर के अभी तक जितने वॉर फिल्में देखी होगी आपको वॉर के ऊपर फोकस किया हुआ नजर आएगा इसमें इक्विपमेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है का, कौन से हथियार को लेकर इस फिल्म में लड़ा गया था किस तरह से क्या चीज़ें की हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई हुई है जहाँ पे ईशान खत्तर के परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं मोनाल ठाकुर प्रियांशु सभी लोगों ने अपना कामबाखू भी निखा निभाया हुआ था सभी की डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज परफॉर्मेंसेस अच्छी थी हाँ ईशान खत्तर के अलावा कोई और पर्सन रहता इस रोल के लिए तो ज़्यादा फिट बेहतर जो मेच्योर लग सके क्योंकि वो इसमें एक बॉयज टाइप का लुक उनका नजर आता है एक फील नहीं हो पाता कि ये क्योंकि जो उनके आसपास के एक्टर्स थे कैरेक्टर थे वो जिस तरह का उनका लुक तैयार हुआ था जिस तरह से वो फिल्म में दिख रहे थे उनके फिजिकली अगर विजुअली देखने कोशिश करें तो परफॉर्मेंसिस उनकी अच्छी थी लेकिन वो सूट नहीं हो पा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म में डायरेक्टर ने बखूबी सभी एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई हुई है उनका डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आता है जहाँ पे वो सिक्वेंस देखने को मिलते है जिसको अच्छी तरह से दिखाया हुआ था राइटिंग में कुछ जगह पर इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है वहीं पर कुछ जगह जगह पर ठीक ठाक भी नज़र आती है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी नज़र आती है नेट प्रोडक्शन वैल्यू थी स्टार कास्ट में ईशान खत्तर मनोलाल ठाकुर प्रियांशु सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी एक अवल दर्जे की देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उन सभी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था वोर वाले सीन्स में भी जिस तरह से बीजेम बज रहा था जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो बढ़िया थी उन सभी चीज़ों को सिनेमाटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ है कैमरा वर्क इस फिल्म का काफ़ी शानदार नजर आता है बेस्ट पॉसिबल वे में इस फिल्म के पूरे सीनारियों को दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने बखूबी फिल्म के

प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक स्मार्ट डिसीज़न लिया गया है जहाँ पे इस फिल्म को अमेज़न के पास रिलीज करवाया हुआ है तो एक अच्छा डिसीजन था ओ रिलीज के लिए फिल्म का जहाँ पे अमेजॉन के द्वारा फिल्म को रिलीज़ करवाया गया अमेजॉन ने जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया तब इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ है और एक डिसेंट आईएमडीबी रेटिंग भी मिली हुई है जहाँ पे अच्छी प्राइस में राइट्स बेचे गए थे म्यूजिक के राइट्स थे वो सी को बेचे गए थे जहाँ पे शायद जी सिनेमा के पास भी सैटेलाइट के राइट्स हो सकते हैं इस फिल्म को 10 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया है जहाँ पे पिप्पा फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तो एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ आई एम डी पे करीबन पाँच सौ इक्यासी वोट मिले फिल्म को छः पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म को एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई थी अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो पिप्पा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिश सब अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पिपा फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली इन्जॉय करना है तो कर सकते हो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे पिपा जो दो हजार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा ये फिल्म की कहानी वो कैप्टन बलराम सिंह मेहता के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे वो इंडिया के फोर्टी फिफ्थ कैलेवरली रेजिमेंट थे और इसके साथ में उनके साथ जिस तरह से इंडो पाकिस्तान वॉर नाइनटीन वन में जो घटनाएं घटी थी वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है बेटल ऑफ गरीबपुर नाइनटीन वन से इस फिल्म के रियल लाइफ इंसिडेंट को इंस्पायर किया हुआ है डायरेक्शन किया हुआ राजा कृष्णा मेनन ने राजा कृष्णा मेनन की ये एज़ अ डायरेक्टर के तौर पे आ, करीबन पाँचवीं छठी फिल्म थी इससे इससे पहले उन्होंने 2003 में बस यूं ही करके फिल्म से डायरेक्शन की शुरुआत की हुई थी 2009 में बारहाना बनाई थी उन्होंने उसके बाद में उन्होंने 2016 में एयरलिफ्ट फिल्म बनाई 2017 में सेफ फिल्म बनाई और दो में पिप्पा फिल्म लेके आए हुए स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में उन्होंने ही काम किया हुआ है जहाँ पे रविंद्र रंधावा तन्मय मोहन इन दोनों ने उनको राइटिंग में मदद की हुई थी रोनी स्क्रूवाला सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था आर एस वी पी मूवीज रॉय कपूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अमेजोन प्राइम वीडियो के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यूए था जहाँ पे एक सौ उनचालीस मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया होता क्योंकि फिल्म पहले थिएटर में रिलीज होने वाली थी यानी कि फिल्म दो घंटे उन्नीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसकी टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी प्रिया सेठ ने की हुई एडिटिंग है वो हेमांति सरकार ने की हुई जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में ए आर रहमान ने काम किया हुआ है म्यूजिक के राइट जी म्यूज़िक कंपनी के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने ही कंपोज किए हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ईसान खत्तर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने कैप्टन बलराम सिंह मेहता का रोल प्ले किया हुआ है मुराल ठाकुर ने राधे मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रियांशु पाइनली ने मेजर राम मेहता का रोल प्ले किया हुआ है रोनी रजदान ने सोनी रजदान ने इस फिल्म में मार्टी का रोल प्ले किया हुआ है इनाम हक को सिविल का रोल दिया गया था वहीं पे सूर्यांश पटेल ने रामपाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुज सिंह दुल्हान को दुहान

किस में स्टार्ट की हुई थी लंबे के साथ इस फिल्म के प्रोडक्शन को अक्टूबर अप किया हुआ तक साउंड ट्रैक के ऊपर तो के, के लेवल के, के नीचे इस फिल्म के गानों को बेचा गया था जहाँ पे प्रीमियर करवाया गया था ट्रैक लिस्टिंग करे गानों की तो राम पेज करके जो गाना है उसको एमसी हेम ने लिखा हुआ था एमसी हेम और क्रिस्टल गरीब ने उसको गाया हुआ था मे पर के जो गाना था उसको सेल लेने लिखा हुआ था रिजी सिंह ने उसको गाया हुआ था जज्बात गाने को सेल लेने लिखा हुआ था जो भी सील पर के द्वारा गवाया गया था करार करारोईलोच का पात करके जो गाना था उसको काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा हुआ था राहुल दत्ता तीर्था भट्टाचार्य पीसा दास रेया पोल सालिनी मुखर्जी और दिलासा चौधरी ने उसको गाया हुआ था मोहब्बत सुक्रिया गाने को उसे लेने लिखा हुआ था विशाल मिश्रा और सुधेन डी मेलो ने उसको गाया हुआ था ये टोटल पाँच गाने थे जिसके लिए लेंथी उन्नीस मिनट उनचालीस सेकंड इसको रिलीज किया हुआ है सात नवंबर 2023 को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा फिलहाल मेरे सभी गाने आपको वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी नाइनटी सेवेंटी वन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है कैप्टन बलराम सिंह मेहता के एंगल से इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इसके अलावा इस वॉर के अभी तक जितनी वॉर फिल्में देखी होगी आपको वॉर के ऊपर फोकस किया हुआ नजर आएगा इसमें इक्विपमेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है कौन से हथियार को लेकर इस फिल्म में लड़ा गया था किस तरह से क्या चीज़ें की हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई हुई है जहाँ पे ईशान खत्तर के परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं मरुणाल ठाकुर प्रियांशु सभी लोगों ने अपना काम बाखूबी खा निभाया हुआ था सभी की डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज परफॉर्मेंसेस अच्छी थी हाँ ईशान खत्तर के अलावा कोई और पर्सन रहता इस रोल के लिए तो ज़्यादा फिट बेहतर था जो मेच्योर लग सके क्योंकि वो इसमें एक बॉयज़ टाइप का लुक उनका नजर आता है एक फील नहीं हो पाता कि ये क्योंकि जो उनके आसपास के एक्टर्स थे कैरेक्टर थे वो जिस तरह का उनका लुक तैयार हुआ था जिस तरह से वो फिल्म में दिख रहे थे उनके फिजिकली अगर विजुअली देखने कोशिश करें तो परफॉर्मेंसेस उनकी अच्छी थी लेकिन वो सूट नहीं हो पा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म में डायरेक्टर ने बखूबी सभी एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है उनका डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आता है जहाँ पे वो सीक्वेंस देखने को मिलते हैं जिसको अच्छी तरह से दिखाया हुआ था राइटिंग में कुछ जगह पर इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है वहीं पर कुछ जगह जगह पर ठीक ठाक भी नजर आती है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी नज़र आती है नेट प्रोडक्शन वैल्यू थी स्टार कास्ट में ईशान खत्तर मनोलाल ठाकुर पियां सभी की परफॉर्मेंस काफी एक अवल दर्जे की देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उन सभी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था वोर वाले सीन्स में भी जिस तरह से बीजेम बज रहा था जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो बढ़िया थी उन सभी चीज़ों को सिनेमाटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ है कैमरा वर्क इस फिल्म का काफ़ी शानदार नजर आता है बेस्ट पॉसिबल वे में इस फिल्म के पूरे सीनारियों को दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने बखूबी फिल्म के

प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक स्मार्ट डिसीजन लिया गया जहां पे इस फिल्म को अमेज़ॉन के पास रिलीज़ करवाया हुआ है तो एक अच्छा डिसीजन था ओ रिलीज के लिए फिल्म का जहाँ पे अमेजॉन के द्वारा फिल्म को रिलीज़ करवाया गया अमेजॉन ने जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया तब इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ है और एक डिसेंट आईएमडीबी रेटिंग भी मिली हुई है जहाँ पे अच्छी प्राइस में राइट्स बेचे गए थे म्यूजिक के राइट्स थे वो सी को बेचे गए थे जहाँ पे साइज जी सिनेमा के पास भी सैटेलाइट के राइट्स हो सकते हैं इस फिल्म को 10 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया जहाँ पे पिप्पा फिल्म को जब रिलीज किया गया तो एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ आई एम डी पे करीबन पाँच सौ इक्यासी वोट मिले फिल्म को छः पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म को एक अच्छी व्यवरशिप हासिल हुई थी अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो पिप्पा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिश सब अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पिपा फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली इन्जॉय करना है तो कर सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रप्शन हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे पिपा जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जोनर है बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा ये फिल्म की कहानी वो कैप्टन बलराम सिंह मेहता के ऊपर बेस्ड है जहां पे वो इंडिया के फोर्टी फिफ्थ कैलेवरली रेजिमेंट थे और इसके साथ में उनके साथ जिस तरह से इंडो पाकिस्तान वॉर नाइनटीन वन में जो घटनाएं घटी थी वो सभी चीजों के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है बेटल ऑफ गरीबपुर नाइनटीन वन से इस फिल्म के रियल लाइफ इंसिडेंट को इंस्पायर किया हुआ है। डायरेक्शन किया हुआ है राजा कृष्णा मेनन ने राजा कृष्णा मेनन की ये एज अ डायरेक्टर के तौर पे आ, करीबन पाँचवीं छठी फिल्म थी इससे इससे पहले उन्होंने 2003 में बस यूं ही करके फिल्म से डायरेक्शन की शुरुआत की हुई थी 2009 में बारहाना बनाई थी उन्होंने उसके बाद में उन्होंने 2016 में एयरलिफ्ट फिल्म बनाई 2017 में सेफ फिल्म बनाई और दो में पिपा फिल्म लेके आए हुए स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में उन्होंने ही काम किया हुआ है जहाँ पे रविंद्र रंधावा तन्मय मोहन इन दोनों ने उनको राइटिंग में मदद की हुई थी रोनी स्क्रूवाला सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था आर एस वी पी मूवीज रोय कपूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अमेजोन प्राइम वीडियो के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यूए था जहाँ पे एक सौ उनचालीस मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया हुआ था क्योंकि फिल्म पहले थिएटर में रिलीज होने वाली थी यानी कि फिल्म दो घंटे उन्नीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसकी टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी प्रिया सेठ ने की हुई एडिटिंग है वो हेमांति सरकार ने की हुई जिन्होंने एक सौ उनचालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में आ रहमान ने काम किया हुआ है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग दोनों ए आर रहमान ने ही कंपोज किए हुए थे फिल्म में टोटल पांच गाने थे जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो देखने को मिलेंगे जिन्होंने कैप्टन बलराम सिंह मेहता का रोल प्ले किया हुआ है मृणाल ठाकुर ने राधे मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर प्रयांशु पानुली ने मेजर राम मेहता का रोल प्ले किया हुआ है रोनी रजदान ने सोनी रजदान ने इस फिल्म में मार्टी का रोल प्ले किया हुआ है इनाम उल हक को सिविल का रोल दिया गया था वहीं पे सूर्यांश पटेल ने रामपाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुज सिंह दुल्हान को दुहान को

के जो गाना था उसको लेने लिखा हुआ था रिजी सिंह ने उसको गाया हुआ था जज्बात गाने को सेल लेने लिखा हुआ था जो भी नोटियाल सील राव के द्वारा गवाया गया था करार करारोई उलोच कपात करके जो गाना था उसको काजी इस्लाम ने लिखा हुआ था राहुल दत्ता तीर्थ भट्टाचार्यू दास रेया पोल सालिनी मुखर्जी और दिलासा चौधरी ने उसको गाया हुआ था मोहब्बत सुक्रिया गाने को से लेने लिखा हुआ था विशल मिश्रा और सुदेन डी मेलो ने उसको गाया हुआ था ये टोटल पांच गाने थे जिसके लिए थे उन्नीस मिनट उनचालीस सेकंड इसको रिलीज़ किया हुआ है सात नवंबर दो को जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा फिलहाल मेरे सभी गाने आपको वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी नाइन्टी वन सेवेंटी वन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है कैप्टन बलराम सिंह मेहता के एंगल से इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इसके अलावा इस वॉर के अभी तक जितने वॉर फिल्में देखी होगी आपको वॉर के ऊपर फोकस किया हुआ नजर आएगा इसमें इक्विपमेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है कौन से हथियार को लेकर इस फिल्म में लड़ा गया था किस तरह से क्या चीज़ें की हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई हुई है जहाँ पे ईशान खत्तर के परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं रोनाल ठाकुर प्रियांशु सभी लोगों ने अपना काम बखूबी बाखूबा निभाया हुआ था सभी की डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज परफॉर्मेंसेस अच्छी थी हाँ ईशान खत्तर के अलावा कोई और पर्सन रहता इस रोल के लिए तो ज़्यादा फिट बेहता जो मेच्योर लग सके क्योंकि वो इसमें एक बॉयज टाइप का लुक उनका नजर आता है एक फील नहीं हो पाता कि ये क्योंकि जो उनके आसपास के एक्टर्स थे कैरेक्टर थे वो जिस तरह का उनका लुक तैयार हुआ था जिस तरह से वो फिल्म में दिख रहे थे उनके फिजिकली अगर विजुअली देखने कोशिश करें तो परफॉर्मेंसीस उनकी अच्छी थी लेकिन वो सूट नहीं हो पा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म में डायरेक्टर ने बखूबी सभी एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई हुई है उनका डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आता है जहाँ पे वोर सिक्वेंस देखने को मिलती है जिसको अच्छी तरह से दिखाया हुआ था राइटिंग में कुछ जगह पर इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है वहीं पर कुछ जगह जगह पर ठीक ठाक भी नजर आते प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी नज़र आती है नेट प्रोडक्शन वैल्यू थी स्टार कास्ट में ईशान खत्तर मनोलाल ठाकुर पियां सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी एक अवल दर्जे की देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उस, उन सभी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था वोर वाले सीन्स में भी जिस तरह से बीजेम बज रहा था जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो बढ़िया थी उन सभी चीज़ों को सिनेमाटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ है कैमरा वर्क इस फिल्म का काफ़ी शानदार नजर आता है बेस्ट पॉसिबल वे में इस फिल्म के पूरे सीनारियों को दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने बखूबी फिल्म के साथ एक अच्छा काम किया हुआ है सवा दो घंटे के आसपास के रन टाइम के साथ फिल्म के काफी सारे एस्पेक्ट को दिखाने की कोशिश की हुई है म्यूजिक में रहमान ने एक अच्छा काम किया है बैकग्राउंड स्कोर सुन के काफ़ी अच्छे नजर आते हैं फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से वर्क कर जाते हैं ओवरऑल ये एक अच्छी फिल्म है देखने लायक फिल्म है लेकिन अगर ये थिएटर में फिल्म हो रिलीज होती शायद नहीं चल पाती क्योंकि फिल्म में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो थिएटर के लिए थिएटर ऑडियंस के लिए शायद थिएटर ना हो पाते लेकिन प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक स्मार्ट डिसीज़न लिया गया जहाँ पे इस फिल्म को अमेज़न के पास रिलीज़ करवाया हुआ है तो एक अच्छा डिसीज़न था ओ रिलीज़ के लिए फ़िल्म का जहाँ पे अमेज़न के द्वारा फिल्म को रिलीज़ करवाया गया अमेज़ॉन ने जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया तब इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ है और एक डिसेंट आई रेटिंग भी मिली हुई है जहाँ पे अच्छी प्राइस में राइट्स बेचे गए थे म्यूजिक के राइट्स थे वो सी को बेचे गए थे जहाँ पे शायद जी सिनेमा के पास भी सैटेलाइट के राइट्स हो सकते हैं इस फिल्म को 10 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया जहाँ पे पिप्पा फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तो एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ आई एम डी पे करीबन पाँच सौ इक्यासी वोट मिले फिल्म को छः पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म को एक अच्छी व्यवरशिप हासिल हुई थी अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो पिप्पा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पिपा फिल्म को अगर आपको ऑफिशियल इन्जॉय करना है तो कर सकते हो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म का आप ऑफिशियल इंजॉय कर पाओगे साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो पंचहतर रिकॉर्ड इन ए एम स्टूडियोज के द्वारा इस फिल्म के गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था 2022 में उन 19 मिनट उनचालीस सेकंड का साउंड ट्रेक था जी म्यूजिक कंपनी के लेवल के नीचे इस फिल्म के गानों को बेचा गया था जहाँ पे प्रीमियर करवाया गया था ट्रैक लिस्टिंग करे गानों की तो राम करके जो गाना है उसको एम हेम ने लिखा हुआ था एम हेम और क्रिस्टल गरीब ने उसको गाया हुआ था मे परवान करके जो गाना था उसको सेल लेने लिखा हुआ था, ने उसको गाया हुआ था जज्बात गाने को शैले लेने लिखा हुआ था जो भी नोट सील पर सिल्पराव के द्वारा गवाया गया था करार वही का कपात करके जो गाना था उसको काजी इस्लाम ने लिखा हुआ था राहुल दत्ता तीर्थ भट्टाचार्यूसा दास रेया पोल सालिनी मुखर्जी और दिलासा चौधरी ने उसको गाया हुआ था मोहब्बत सुक्रिया गाने को उसे लेने लिखा हुआ था विशल मिश्रा और सुधेन डी मेलो ने उसको गाया हुआ था ये टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथी उन्नीस मिनट उनचालीस सेकंड इसको रिलीज किया हुआ है सात नवंबर 2023 को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा फिलहाल मेरे सभी गाने आपको वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूटूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी नाइनटी वन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है कैप्टन बलराम सिंह मेहता के एंगल से इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इसके अलावा इस वॉर के अभी तक जितनी वॉर फिल्में देखी होगी आपको वॉर के ऊपर फोकस किया हुआ नजर आएगा इसमें इक्विपमेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है कौन से हथियार को लेकर इस फिल्म में लड़ा गया था किस तरह से क्या चीज़ें की हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म दिखाई हुई है जहाँ पे ईशान खत्तर के परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं रोनाल्ड ठाकुर प्रियांशु सभी लोगों ने अपना काम बखूबी निखा निभाया हुआ था सभी के डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज परफॉर्मेंसेस अच्छी थी हाँ ईशान खत्तर के अलावा कोई और पर्सन रहता इस रोल के लिए तो ज़्यादा फिट बेहता जो मेच्योर लग सके क्योंकि वो इसमें एक बॉयज टाइप का लुक उनका नज़र आता है एक फील नहीं हो पाता कि ये क्योंकि जो उनके आसपास के एक्टर्स थे कैरेक्टर थे वो जिस तरह का उनका लुक तैयार हुआ था जिस तरह से वो फिल्म में दिख रहे थे उनके फिजिकली अगर विजुअली देखने कोशिश करें तो परफॉर्मेंसेस उनकी अच्छी थी लेकिन वो सूट नहीं हो पा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म में डायरेक्टर ने बखूबी सभी एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है उनका डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आता है जहाँ पे वो सीक्वेंस देखने को मिलते है जिसको अच्छी तरह से दिखाया हुआ था राइटिंग में कुछ जगह पर इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है वहीं पर कुछ जगह जगह पर ठीक ठाक भी नजर आती है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी नज़र आती है नेट प्रोडक्शन वैल्यू थी स्टार कास्ट में ईशान खत्तर मनोलाल ठाकुर प्रियांशु सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी एक अवल दर्जे की देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उन सभी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था वोर वाले सीन्स में भी जिस तरह से बीजेम बज रहा था जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो बढ़िया थी उन सभी चीज़ों को सिनेमाटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ है कैमरा वर्क इस फिल्म का काफ़ी शानदार नजर आता है बेस्ट पॉसिबल वे में इस फिल्म के पूरे सीनारियों को दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने बखूबी फिल्म के

प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक स्मार्ट डिसीजन लिया गया जहाँ पे इस फिल्म को अमेज़न के पास रिलीज़ करवाया हुआ है तो एक अच्छा डिसीजन था ओ रिलीज के लिए फिल्म का जहाँ पे अमेजॉन के द्वारा फिल्म को रिलीज़ करवाया गया अमेजन ने जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया तब इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ है और एक डिसेंट आई रेटिंग भी मिली हुई है पिपा जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा ये फिल्म की कहानी वो कैप्टन बलराम सिंह मेहता के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे वो इंडिया के फोर्टी फिफ्थ कैलेवरली रेजिमेंट थे और इसके साथ में उनके साथ जिस तरह से इंडो पाकिस्तान वॉर नाइन्टीन में जो घटनाएं घटी थी वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है बेटल ऑफ गरीबपुर नाइनटीन से इस फिल्म के रियल लाइफ इंसिडेंट को इंस्पायर किया हुआ है डायरेक्शन किया हुआ राजा कृष्णा मेनन ने राजा कृष्णा मेनन की ये एज अ डायरेक्टर के तौर पे आ, करीबन पाँचवीं छठी फिल्म थी इससे इससे पहले उन्होंने 2003 में बस यूं ही करके फिल्म से डायरेक्शन की शुरुआत की हुई थी 2009 में नौ में बारहाना बनाई थी उन्होंने उसके बाद में उन्होंने 2016 में एयरलिफ्ट फिल्म बनाई 2017 में सेफ फिल्म बनाई और दो में पिप्पा फिल्म लेके आए हुए स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में उन्होंने ही काम किया हुआ है जहाँ पे रविंद्र रंधावा तन्मय मोहन इन दोनों ने उनको राइटिंग में मदद की हुई थी रोनी स्क्रूवाला सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था आर एस वी पी मूवीज रॉय कपूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अमेजोन प्राइम वीडियो के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यू था जहाँ पे एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया हुआ था क्योंकि फिल्म पहले थिएटर में रिलीज होने वाली थी यानी कि फिल्म दो घंटे उन्नीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसकी टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी प्रिया सेठ ने की हुई एडिटिंग है वो एव हेमांति सरकार ने की हुई जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में ए आर रहमान ने काम किया हुआ है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने ही कंपोज किए हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें ईसान खत्तर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने कैप्टन बलराम सिंह मेहता का रोल प्ले किया हुआ है गुरुाल ठाकुर ने राधे मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर प्रियांशु पाइनली ने मेजर राम मेहता का रोल प्ले किया हुआ है रोनी रजदान ने सोनी रजदान ने इस फिल्म में माटी का रोल प्ले किया हुआ है इनाम हक को सिविल का रोल दिया गया था वहीं पे सूर्यांश पटेल ने रामपाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुज सिंह दुल्हान को दुहान

करके जो गाना था उसको सेल लेने लिखा हुआ था रिजी सिंह ने उसको गाया हुआ था जज्बात गाने को सेल लेने लिखा हुआ था जो भी नोटियाल शिल्पाव के द्वारा गवाया गया था करार उलोच का पात करके जो गाना था उसको काजी इस्लाम ने लिखा हुआ था राहुल दत्ता जी भट्टाचार्यू दास रेया पोल सालिनी मुखर्जी और दिलासा चौधरी ने उसको गाया हुआ था मोहब्बत सुक्रिया गाने को से लेने लिखा हुआ था विशल मिश्रा और सुदेन डी मेलो ने उसको गाया हुआ था ये टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथी उन्नीस मिनट उनचालीस सेकंड इसको रिलीज़ किया हुआ है सात नवंबर दो को जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा फिलहाल मेरे सभी गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी नाइन्टी वन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है कैप्टन बलराम सिंह मेहता के एंगल से इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इसके अलावा इस वॉर के अभी तक जितने वॉर फिल्में देखी होगी आपको वॉर के ऊपर फोकस किया हुआ नजर आएगा इसमें इक्विपमेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है का, कौन से हथियार को लेकर इस फिल्म में लड़ा गया था किस तरह से क्या चीज़ें की हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई हुई है जहाँ पे ईशान खत्तर के परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं मेरोल ठाकुर प्रियांशु सभी लोगों ने अपना काम बाखूबी निखा निभाया हुआ था सभी के डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज परफॉर्मेंसेस अच्छी थी हाँ ईशान खत्तर के अलावा कोई और पर्सन रहता इस रोल के लिए तो ज़्यादा फिट बेहता जो मेच्योर लग सके क्योंकि वो इसमें एक बॉयज टाइप का लुक उनका नज़र आता है एक फील नहीं हो पाता कि ये क्योंकि जो उनके आसपास के एक्टर्स थे कैरेक्टर थे वो जिस तरह का उनका लुक तैयार हुआ था जिस तरह से वो फिल्म में दिख रहे थे उनके फिजिकली अगर विजुअली देखने कोशिश करें तो परफॉर्मेंसिस उनकी अच्छी थी लेकिन वो सूट नहीं हो पा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म में डायरेक्टर ने बखूबी सभी एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई हुई है उनका डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आता है जहाँ पे वो सिक्वेंस देखने को मिलते हैं जिसको अच्छी तरह से दिखाया हुआ था राइटिंग में कुछ जगह पर इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है वहीं पर कुछ जगह जगह पे ठीक ठाक भी नजर आती है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी नज़र आती है नेट प्रोडक्शन वैल्यू थी स्टार कास्ट में ईशान खत्तर मनोराल ठाकुर पियां सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी एक अवल दर्जे की देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उन सभी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था वोर वाले सीन्स में भी जिस तरह से बीजेम बज रहा था जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो बढ़िया थी उन सभी चीज़ों को सिनेमाटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ है कैमरा वर्क इस फिल्म का काफ़ी शानदार नजर आता है बेस्ट पॉसिबल वे में इस फिल्म के पूरे सीनारियों को दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने बखूबी फिल्म के साथ एक अच्छा काम किया हुआ है सवा दो घंटे के आसपास के रन टाइम के साथ फिल्म के काफी सारे एस्पेक्ट को दिखाने की कोशिश की हुई है म्यूजिक में मैर रहमान ने एक अच्छा काम किया है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुन के काफी अच्छे नजर आते हैं फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से वर्क कर जाते हैं ओवरऑल ये एक अच्छी फिल्म है देखने लायक फिल्म है लेकिन अगर ये थिएटर में फिल्म हो रिलीज होती शायद नहीं चल पाती क्योंकि फिल्म में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो थिएटर के लिए थिएटर ऑडियंस के लिए शायद थिएटर ना हो पाते लेकिन प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक स्मार्ट डिसीज़न लिया गया जहाँ पे इस फिल्म को अमेज़न के पास रिलीज करवाया हुआ है तो एक अच्छा डिसीजन था ओ रिलीज के लिए फिल्म का जहाँ पे अमेजॉन के द्वारा फिल्म को रिलीज़ करवाया गया अमेज़ॉन ने जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया तब इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ है और एक डिसेंट आई रेटिंग भी मिली हुई है जहाँ पे अच्छी प्राइस में राइट्स बेचे गए थे म्यूजिक के राइट्स थे वो सी को बेचे गए थे जहाँ पे शायद जी सिनेमा के पास भी सैटेलाइट के राइट्स हो सकते हैं इस फिल्म को 10 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया है जहाँ पे पिप्पा फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तो एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ आई एम डी पे करीबन पाँच सौ इक्यासी वोट मिले फिल्म को छः पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म को एक अच्छी व्यवरशिप हासिल हुई थी अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो पिप्पा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिश सब अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पिपा फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली इन्जॉय करना है तो कर सकते हो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे पिपा जो दो हज़ार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा ये फिल्म की कहानी वो कैप्टन बलराम सिंह मेहता के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे वो इंडिया के फोर्टी फिफ्थ कैलेवरली रेजिमेंट थे और इसके साथ में उनके साथ जिस तरह से इंडो पाकिस्तान वॉर नाइनटीन वन में जो घटनाएं घटी थी वो सभी चीजों के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है बेटल ऑफ गरीबपुर नाइनटीन वन से इस फिल्म के रियल लाइफ इंसिडेंट को इंस्पायर किया हुआ है डायरेक्शन किया हुआ राजा कृष्णा मेनन ने राजा कृष्णा मेनन की ये एज़ अ डायरेक्टर के तौर पे आ, करीबन पांचवी छठी फिल्म थी इससे इससे पहले उन्होंने 2003 में बस यूं ही करके फिल्म से डायरेक्शन की शुरुआत की हुई थी 2009 में बारह आना बनाई थी उन्होंने उसके बाद में उन्होंने 2016 में एयरलिफ्ट फिल्म बनाई 2017 में सेफ फिल्म बनाई और 2023 में पिपा फिल्म लेके आए हुए स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में उन्होंने ही काम किया हुआ है जहाँ पे रविंद्र रंधावा तन्मय मोहन इन दोनों ने उनको राइटिंग में मदद की हुई थी रोनी स्क्रूवाला रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था आर एस वी पी मूवीज रॉय कपूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था एमेजॉन प्राइम वीडियो के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यूए था जहाँ पे एक सौ उनचालीस मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया हुआ था क्योंकि फिल्म पहले थिएटर में रिलीज होने वाली थी यानी कि फिल्म दो घंटे उन्नीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसकी टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी प्रिया सेठ ने की हुई एडिटिंग है वो हेमांती सरकार ने की हुई जिन्होंने एक सौ उनचालीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में आर रहमान ने काम किया हुआ म्यूजिक के म्यूजिक कंपनी के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग दोनों ए आर रहमान ने ही कंपोज किए हुए थे फिल्म में टोटल पांच गाने थे जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ईसान खत्तर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने कैप्टन बलराम सिंह मेहता का रोल प्ले किया हुआ है मुराल ठाकुर ने राधे मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर प्रयांशु पाइनली ने मेजर राम मेहता का रोल प्ले किया हुआ है रोनी रजदान ने सोनी रजदान ने इस फिल्म में मार्टी का रोल प्ले किया हुआ है इनाम उल हक को सिविल का रोल दिया गया था वहीं पे सूर्यांश पटेल ने रामपाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुज सिंह दुल्हान को दुहान

स में स्टार्ट की हुई थी लंबे के साथ इस फिल्म के प्रोडक्शन को अक्टूबर दो किया हुआ था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो मिनट बाईस सेकंड का कंपनी के लेबल के नीचे इस फिल्म के गानों को बेचा गया था जहां पे प्रीमियर करवा गया था ट्रैक लिस्टिंग करे गानों की तो राम पेज करके जो गाना है उसको एमसी हेम ने लिखा हुआ था एमसी हेम और क्रिस्टल गरीब ने उसको गाया हुआ था मे पर के जो गाना था उसको सेल लेने लिखा हुआ था अजी सिंह ने उसको गाया हुआ था जज्बात गाने को सेल लेने लिखा हुआ था जो भी सील पर आओ के द्वारा गवाया गया था करार करारोई उलोच कपात करके जो गाना था उसको काजी इस्लाम ने लिखा हुआ था राहुल दत्ता तीर्था भट्टाचार्य पी सी दास रेया पोल सालिनी मुखर्जी और दिलासा चौधरी ने उसको गाया हुआ था मोहब्बत सुख्रिया गाने को से लेने लिखा हुआ था विशाल मिश्रा और सुधेन डी मेलो ने उसको गाया हुआ था ये टोटल पांच गाने थे जिसके लिए थे उन्नीस मिनट उनचालीस सेकंड इसको रिलीज किया हुआ है सात नवंबर 2023 को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा फिलहाल मेरे सभी गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी नाइन्टी वन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है कैप्टन बलराम सिंह मेहता के एंगल से इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इसके अलावा इस वॉर के अभी तक जितनी वॉर फिल्में देखी होगी आपको वॉर के ऊपर फोकस किया हुआ नजर आएगा इसमें इक्विपमेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है का, कौन से हथियार को लेकर इस फिल्म में लड़ा गया था किस तरह से क्या चीज़ें की हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई हुई है जहाँ पे ईशान खत्तर के परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं मृणाल ठाकुर प्रियांशु सभी लोगों ने अपना काम बखूबी भी निखा निभाया हुआ था सभी की डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज परफॉर्मेंसेज अच्छी थी हाँ ईशान खत्तर के अलावा कोई और पर्सन रहता इस रोल के लिए तो ज़्यादा फिट बेहतर जो मेच्योर लग सके क्योंकि वो इसमें एक बॉयज टाइप का लुक उनका नजर आता है एक फील नहीं हो पाता कि ये क्योंकि जो उनके आसपास के एक्टर्स थे कैरेक्टर थे वो जिस तरह का उनका लुक तैयार हुआ था जिस तरह से वो फिल्म में दिख रहे थे उनके फिजिकली अगर विजुअली देखने कोशिश करें तो परफॉर्मेंसेज उनकी अच्छी थी लेकिन वो सूट नहीं हो पा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म में डायरेक्टर ने बखूबी सभी एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई हुई है उनका डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आता है जहाँ पे वो सीक्वेंस देखने को मिलते हैं जिसको अच्छी तरह से दिखाया हुआ था राइटिंग में कुछ जगह पर इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है वहीं पर कुछ जगह जगह पर ठीक ठाक भी नज़र आती है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी नजर आती है नेट प्रोडक्शन वैल्यू थी स्टार कास्ट में ईशान ठाकुर अवल दर्जे की देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उन सभी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था वोर वाले में भी जिस तरह से बीजेम बज रहा था जो सभी चीजें देखने को मिलती है वो बढ़िया थी उन सभी चीज़ों को सिनेमाटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ है कैमरा वर्क इस फिल्म का काफी शानदार नजर आता है बेस्ट पॉसिबल वे में इस फिल्म के पूरे सीनारियों को दिखाने की कोशिश की हुई एडिटर ने बखूबी फिल्म के साथ

प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक स्मार्ट डिसीज़न लिया गया जहाँ पे इस फिल्म को अमेज़न के पास रिलीज़ करवाया हुआ है तो एक अच्छा डिसीज़न था ओ रिलीज़ के लिए फ़िल्म का जहाँ पे अमेज़ॉन के द्वारा फिल्म को रिलीज़ करवाया गया अमेज़ॉन ने जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया तब इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सट पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ है और एक डिसेंट आई रेटिंग भी मिली हुई है जहाँ पे अच्छी प्राइस में राइट्स बेचे गए थे म्यूजिक के राइट्स थे वो सी को बेचे गए थे जहाँ पे साय जी सिनेमा के पास भी सेटेलाइट के राइट्स हो सकते हैं इस फिल्म को 10 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया है जहाँ पे पिप्पा फिल्म को जब रिलीज किया गया तो एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ आई एम डी पे करीबन पाँच सौ इक्यासी वोट मिले फिल्म को छः पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म को एक अच्छी व्यवरशिप हासिल हुई थी अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो पिप्पा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिश सब अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पिपा फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली इन्जॉय करना है तो कर सकते हो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे पिपा जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जोनर है बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा ये फिल्म की कहानी वो कैप्टन बलराम सिंह मेहता के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे वो इंडिया के फोर्टी फिफ्थ कैलेवरली रेजिमेंट थे और इसके साथ में उनके साथ जिस तरह से इंडो पाकिस्तान वॉर नाइनटीन में जो घटनाएं घटी थी वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है बेटल ऑफ गरीबपुर नाइनटीन से इस फिल्म के रियल लाइफ इंसिडेंट को इंस्पायर किया हुआ है डायरेक्शन किया हुआ राजा कृष्णा मेनन ने राजा कृष्णा मेनन की ये एज अ डायरेक्टर के तौर पे आ, करीबन पाँचवीं छठी फिल्म थी इससे इससे पहले उन्होंने 2003 में बस यूं ही करके फिल्म से डायरेक्शन की शुरुआत की हुई थी 2009 में नौ में बारहाना बनाई थी उन्होंने उसके बाद में उन्होंने 2016 में एयरलिफ्ट फिल्म बनाई 2017 में सेफ फिल्म बनाई और दो में पिप्पा फिल्म लेके आए हुए स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में उन्होंने ही काम किया हुआ है जहाँ पे रविंद्र रंधावा तन्मय मोहन इन दोनों ने उनको राइटिंग में मदद की हुई थी रोनी स्क्रोवाला सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था आर एस वी पी मूवीज रॉय कपूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अमेजोन प्राइम वीडियो के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यूए था जहाँ पे एक सौ उनचालस मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया होता था क्योंकि फिल्म पहले थिएटर में रिलीज होने वाली थी यानी कि फिल्म दो घंटे उन्नीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसकी टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी प्रिया सेठ ने की हुई एडिटिंग है वो एव हेमांति सरकार ने की हुई जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में ए रहमान ने काम किया हुआ है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों ए रहमान ने ही कंपोज किए हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें ईशान खत्तर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने कैप्टन बलराम सिंह मेहता का रोल प्ले किया हुआ है मुरुणाल ठाकुर ने राधे मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर प्रियंशु पाइनोली ने मेजर राम मेहता का रोल प्ले प्ले किया हुआ है रोनी रजदान ने सोनी रजदान ने इस फिल्म में माटी का रोल प्ले किया हुआ है इनामुल हक को सिविल का रोल दिया गया था वहीं पे सूर्यांश पटेल ने रामपाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुज सिंह दुल्हान को दुहान को इस फिल्म में स्पीडी का रोल मिला हुआ है कमल सदनाहा ने इस फिल्म में फील्ड मार्शल राम मैनेक्सो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा चंद्रचूर राय इस फिल्म में जेब के रोल में देखने को मिलेंगे सोहम मजमूदार ने निर्बान का रोल प्ले किया हुआ है लेसन करीमोवा ने रशियन ट्रांसलेटर जेना का रोल प्ले किया हुआ है

बेचा गया था जहाँ पे प्रीमियर करवा गया था ट्रैक लिस्टिंग करे गानों की तो राम पेज करके जो गाना है उसको एम सी हेम ने लिखा हुआ था एम सी हेम और क्रिस्टल गरीब ने उसको गाया हुआ था मे परवान करके जो गाना था उसको सेल लेने लिखा हुआ था रिजी सिंह ने उसको गाया हुआ था जज्बात गाने को सेल लेने लिखा हुआ था जो भी नोटअल सिल्पराव के द्वारा गवाया गया था करार उलोच का कपात करके जो गाना था उसको काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा हुआ था राहुल दत्ता तीर्था भट्टाचार्य पी सीसा दास रेया पोल सालिनी मुखर्जी और दिलासा चौधरी ने उसको गाया हुआ था मोहब्बत सुक्रिया गाने को से लेने लिखा हुआ था विशल मिश्रा और सुधेन डी मेलो ने उसको गाया हुआ था ये टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथ उन्नीस मिनट उनचालीस सेकंड इसको रिलीज किया हुआ है सात नवंबर दो को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा फिलहाल मेरे सभी गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी नाइनटी वन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है कैप्टन बलराम सिंह मेहता के एंगल से इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इसके अलावा इस वॉर के अभी तक जितने वॉर फिल्में देखी होगी आपको वॉर के ऊपर फोकस किया हुआ नजर आएगा इसमें इक्विपमेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है कौन से हथियार को लेकर इस फिल्म में लड़ा गया था कि इस तरह से क्या चीज़ें की हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म दिखाई हुई है जहाँ पे ईशान खत्तर के परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं रोनाड ठाकुर प्रियांशु सभी लोगों ने अपना कामबाखू भी निखा निभाया हुआ था सभी के डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज परफॉर्मेंसेस अच्छी थी हाँ ईशान खत्तर के अलावा कोई और पर्सन रहता इस रोल के लिए तो ज़्यादा फिट बेहता जो मेच्योर लग सके क्योंकि वो इसमें एक बॉयज टाइप का लुक उनका नजर आता है एक फील नहीं हो पाता कि ये क्योंकि जो उनके आसपास के एक्टर्स थे कैरेक्टर थे वो जिस तरह का उनका लुक तैयार हुआ था जिस तरह से वो फिल्म में दिख रहे थे उनके फिजिकली अगर विजुअली देखने कोशिश करें तो परफॉर्मेंसेज उनकी अच्छी थी लेकिन वो सूट नहीं हो पा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म में डायरेक्टर ने बखूबी सभी एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई हुई है उनका डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा बेटर नजर आता है जहाँ पे वो सिक्वेंस देखने को मिलते है जिसको अच्छी तरह से दिखाया हुआ था राइटिंग में कुछ जगह पर इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है वहीं पर कुछ जगह जगह पर ठीक ठाक भी नजर आती है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी नज़र आती है नेट प्रोडक्शन वैल्यू थी स्टार कास्ट में ईशान खत्तर मोनाल ठाकुर पियां सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी एक अवल दजे की देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उन सभी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था वोर वाले सीन्स में भी जिस तरह से बीजेम बज रहा था जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो बढ़िया थी उन सभी चीज़ों को सिनेमाटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ है कैमरा वर्क इस फिल्म का काफ़ी शानदार नज़र आता है बेस्ट पॉसिबल वे में इस फिल्म के पूरे सीनारियों को दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने बखूबी फिल्म के साथ एक अच्छा काम किया हुआ है सवा दो घंटे के आसपास के रन टाइम के साथ फिल्म के काफी सारे एस्पेक्ट को दिखाने की कोशिश की हुई है म्यूजिक में आर रहमान ने एक अच्छा काम किया है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुन के काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से वर्क कर जाते हैं ओवरऑल ये एक अच्छी फिल्म है देखने लायक फिल्म है लेकिन अगर ये थिएटर में फिल्म हो रिलीज होती शायद नहीं चल पाती क्योंकि फिल्म में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो थिएटर के लिए थिएटर ऑडियंस के लिए शायद थिएटर ना हो पाते लेकिन प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक स्मार्ट डिसीजन लिया गया जहां पे इस फिल्म को अमेज़ॉन के पास रिलीज करवाया हुआ है तो एक अच्छा डिसीजन था ओ रिलीज के लिए फिल्म का जहाँ पे अमेजॉन के द्वारा फिल्म को रिलीज़ करवाया गया अमेज़ॉन ने जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया तब इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ है और एक डिसेंट आई रेटिंग भी मिली हुई है जहाँ पे अच्छी प्राइस में राइट्स बेचे गए थे म्यूजिक के राइट्स थे वो सी को बेचे गए थे जहाँ पे शायद जी सिनेमा के पास भी सैटेलाइट के राइट्स हो सकते हैं इस फिल्म को 10 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया है जहाँ पे पिप्पा फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तो एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ आई एम डी पे करीबन पाँच सौ इक्यासी वोट मिले फिल्म को छः चे, पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म को एक अच्छी व्यवरशिप हासिल हुई थी अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो पिप्पा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिश सब अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पिपा फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली इन्जॉय करना है तो कर सकते हो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे पिपा जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा ये फिल्म की कहानी वो कैप्टन बलराम सिंह मेहता के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे वो इंडिया के फोर्टी फिफ्थ कैलेवरली रेजिमेंट थे और इसके साथ में उनके साथ जिस तरह से इंडो पाकिस्तान वॉर नाइनटीन में जो घटनाएं घटी थी वो सभी चीजों के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है बेटल ऑफ गरीबपुर नाइनटीन से इस फिल्म के रियल लाइफ इंसिडेंट को इंस्पायर किया हुआ है डायरेक्शन किया हुआ है राजा कृष्णा मेनन ने राजा कृष्णा मेनन की ये एज अ डायरेक्टर के तौर पे आ, करीबन पाँचवीं छठी फिल्म थी इससे इससे पहले उन्होंने 2003 में बस यूं ही करके फिल्म से डायरेक्शन की शुरुआत की हुई थी 2009 में बारह आना बनाई थी उन्होंने उसके बाद में उन्होंने 2016 में एयरलिफ्ट फिल्म बनाई 2017 में सेफ फिल्म बनाई और 2023 में पिपा फिल्म लेके आए हुए स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में उन्होंने ही काम किया हुआ है जहाँ पे रविंद्र रंधावा तन्मय मोहन इन दोनों ने उनको राइटिंग में मदद की हुई थी रोनी स्क्रूवाला सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था आर एस वी पी मूवीज रॉय कपूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अमेजोन प्राइम वीडियो के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यूए था जहाँ पे एक सौ उनचालीस मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया हुआ था क्योंकि फिल्म पहले थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी यानी कि फिल्म दो घंटे उन्नीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसकी टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी प्रिया सेठ ने की हुई एडिटिंग है वो हेमांति सरकार ने की हुई जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में ए आर रहमान ने काम किया हुआ है म्यूजिक के राइट ही म्यूजिक कंपनी के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने ही कंपोज किए हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ईसान खत्तर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने कैप्टन बलराम सिंह मेहता का रोल प्ले किया हुआ है गुरुाल ठाकुर ने राधे मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रियांशु प्रियाशु पाइनली ने मेजर राम मेहता का रोल प्ले प्ले किया हुआ है रोनी रजदान ने सोनी रजदान ने इस फिल्म में मार्टी का रोल प्ले किया हुआ है इनाम हक को सिविल का रोल दिया गया था वहीं पे सूर्यांश पटेल ने रामपाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुज सिंह दुल्हान को दुहान को

स्टार्ट की हुई थी लंबे के साथ इस फिल्म के प्रोडक्शन को अक्टूबर दो हजार इक्कीस तक रेप अप्रैक के, तो के, के तो लेवल के, के नीचे इस फिल्म के गानों को बेचा गया था जहां पे प्रीमियर करवाया गया था ट्रैक लिस्टिंग करे गानों की तो राम पेज करके जो गाना है उसको एम हेम ने लिखा हुआ था एमसी हेम और क्रिस्टल गरीब ने उसको गाया हुआ था मैं परवान का के जो गाना था उसको सेल लेने लिखा हुआ था रिजी सिंह ने उसको गाया हुआ था जज्बात गाने को सेल लेने लिखा हुआ था जो भी नोटियाल सिल्पराव के द्वारा गवाया गया था करार करारोई कपात करके जो गाना था उसको काजी इस्लाम ने लिखा हुआ था राहुल दत्ता तीर्थ भट्टाचार्यूसा दास रेया पोल सालिनी मुखर्जी और दिलासा चौधरी ने उसको गाया हुआ था मोहब्बत सुख्रिया गाने को से लेने लिखा हुआ था विशाल मिश्रा और सुधेन डी मेलो ने उसको गाया हुआ था ये टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथ उन्नीस मिनट उनचालीस सेकंड इसको रिलीज़ किया हुआ है सात नवंबर 2023 को जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा फिलहाल मेरे सभी गाने आपको वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी नाइन्टी वन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है कैप्टन बलराम सिंह मेहता के एंगल से इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इसके अलावा इस वॉर के अभी तक जितनी वॉर फिल्में देखी होगी आपको वॉर के ऊपर फोकस किया हुआ नजर आएगा इसमें इक्विपमेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है का, कौन से हथियार को लेकर इस फिल्म में लड़ा गया था किस तरह से क्या चीज़ें की हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई हुई है जहाँ पे ईशान खत्तर के परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं मनोनाथ ठाकुर प्रियांशु सभी लोगों ने अपना काम बखूबी भी निखा निभाया हुआ था सभी की डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज परफॉर्मेंसेज अच्छी थी हाँ ईशान खत्तर के अलावा कोई और पर्सन रहता इस रोल के लिए तो ज्यादा फिट बेहतर जो मेच्योर लग सके क्योंकि वो इसमें एक बॉइस टाइप का लुक उनका नजर आता है एक फील नहीं हो पाता कि ये क्योंकि जो उनके आसपास के एक्टर्स थे कैरेक्टर थे वो जिस तरह का उनका लुक तैयार हुआ था जिस तरह से वो फिल्म में दिख रहे थे उनके फिजिकली अगर विजुअली देखने कोशिश करें तो परफॉर्मेंसेज उनकी अच्छी थी लेकिन वो सूट नहीं हो पा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म में डायरेक्टर ने बखूबी सभी एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई हुई है उनका डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आता है जहाँ पे वो सीक्वेंस देखने को मिलते हैं जिसको अच्छी तरह से दिखाया हुआ था राइटिंग में कुछ जगह पर इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है वहीं पर कुछ जगह जगह पर ठीक ठाक भी नजर आती है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी नज़र आती है नेट प्रोडक्शन वैल्यू थी स्टार कास्ट में ईशान खत्तर मनोलाल ठाकुर पियांसू सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी एक अवल दर्जे की देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उन सभी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था वोर वाले सीन्स में भी जिस तरह से बीजेम बज रहा था जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो बढ़िया थी उन सभी चीज़ों को सिनेमाटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ है कैमरा वर्क इस फिल्म का काफ़ी शानदार नजर आता है बेस्ट पॉसिबल वे में इस फिल्म के पूरे सीनारियों को दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने बखूबी फिल्म के

प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक स्मार्ट डिसीजन लिया गया जहाँ पे इस फिल्म को अमेज़न के पास रिलीज करवाया हुआ है तो एक अच्छा डिसीजन था ओ रिलीज के लिए फिल्म का जहाँ पे अमेजॉन के द्वारा फिल्म को रिलीज़ करवाया गया अमेज़न ने जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया तब इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ है और एक डिसेंट आई रेटिंग भी मिली हुई है जहाँ पे अच्छी प्राइस में राइट्स बेचे गए थे म्यूजिक के राइट्स थे वो सी को बेचे गए थे जहाँ पे शायद जी सिनेमा के पास भी सेटेलाइट के राइट्स हो सकते हैं इस फिल्म को 10 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया जहाँ पे पिप्पा फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तो एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ आई एम डी पे करीबन पाँच सौ इक्यासी वोट मिले फिल्म को छः पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म को एक अच्छी व्यवरशिप हासिल हुई थी अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो पिप्पा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिश सब अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पिपा फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली इन्जॉय करना है तो कर सकते हो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे पिपा जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जोनर है बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा ये फिल्म की कहानी वो कैप्टन बलराम सिंह मेहता के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे वो इंडिया के फोर्टी फिफ्थ कैलेवरली रेजिमेंट थे और इसके साथ में उनके साथ जिस तरह से इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 में जो घटनाएं घटी थी वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है बेटल ऑफ गरीबपुर नाइनटीन से इस फिल्म के रियल लाइफ इंसिडेंट को इंस्पायर किया हुआ है डायरेक्शन किया है राजा कृष्णा मेनन ने राजा कृष्णा मेनन की ये एज़ अ डायरेक्टर के तौर पे आ, करीबन पांचवी छठी फिल्म थी इससे इससे पहले उन्होंने 2003 में बस यूं ही करके फिल्म से डायरेक्शन की शुरुआत की हुई थी 2009 में बारहना बनाई थी उन्होंने उसके बाद में उन्होंने 2016 में एयरलिफ्ट फिल्म बनाई 2017 में सेफ फिल्म बनाई और दो में पिप्पा फिल्म लेके आए हुए स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में उन्होंने ही काम किया हुआ है जहाँ पे रविंद्र रंधावा तन्मय मोहन इन दोनों ने उनको राइटिंग में मदद की हुई थी रोनी स्क्रूवाला सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था आर एस वी पी मूवीज रॉय कपूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अमेजोन प्राइम वीडियो के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यूए था जहाँ पे एक सौ उनचालस मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया होता था क्योंकि फिल्म पहले थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी यानी कि फिल्म दो घंटे उन्नीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसकी टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी प्रिया सेठ ने की हुई एडिटिंग है वो हेमांति सरकार ने की हुई जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में ए आर रहमान ने काम किया हुआ है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने ही कंपोज किए हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ईसान खत्तर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने कैप्टन बलराम सिंह मेहता का रोल प्ले किया हुआ है मृणाल ठाकुर ने राधे मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर प्रियांशु पाइनोली ने मेजर राम मेहता का रोल प्ले किया हुआ है रोनी रसदान ने सोनी रजदान ने इस फिल्म में मार्टी का रोल प्ले किया हुआ है इनाम उल हक को सिविल का रोल दिया गया था वहीं पे सूर्यांश पटेल ने रामपाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुज सिंह दुल्हान को दुहान को इस फिल्म में स्पीडी का रोल मिला हुआ है कमल सदनाहा ने इस फिल्म में फील्ड मार्शल राम मैनेक्सो का रोल प्ले किया हुआ इस है इसके अलावा चंद्रचूर राय इस फिल्म में जेब के रोल में देखने को मिलेंगे सोह मजमूदार ने निर्बान का रोल प्ले किया हुआ है लेसन करीमोवा ने रशियन ट्रांसलेटर जेना का रोल प्ले किया हुआ है

बेचा गया था जहाँ पे प्रीमियर करवा गया था ट्रैक लिस्टिंग करे गानों की तो राम पेज करके जो गाना है उसको एम सी हेम ने लिखा हुआ था एम सी हेम और क्रिस्टल गरीब ने उसको गाया हुआ था मे परवान करके जो गाना था उसको सेल लेने लिखा हुआ था रिजी सिंह ने उसको गाया हुआ था जज्बात गाने को सेल लेने लिखा हुआ था जो भी नोटअल सिल पराव के द्वारा गवाया गया था करारोई उलोच का पात करके जो गाना था उसको काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा हुआ था राहुल दत्ता तीर्था भट्टाचार्य पी सीसा दास रेया पोल सालिनी मुखर्जी और दिलासा चौधरी ने उसको गाया हुआ था मोहब्बत सुक्रिया गाने को उसे लेने लिखा हुआ था विशल मिश्रा और सुधेन डी मेलो ने उसको गाया हुआ था ये टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथ उन्नीस मिनट उनचालीस सेकंड इसको रिलीज किया हुआ है सात नवंबर 2023 को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा फिलहाल मेरे सभी गाने आपको वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी नाइनटी वन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है कैप्टन बलराम सिंह मेहता के एंगल्स इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इसके अलावा इस वॉर के अभी तक जितनी वॉर फिल्में देखी होगी आपको वॉर के ऊपर फोकस किया हुआ नजर आएगा इसमें इक्विपमेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है कि कौन से हथियार को लेकर इस फिल्म में लड़ा गया था किस तरह से क्या चीज़ें की हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई हुई है जहाँ पर ईशान खत्तर की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आती है मुरुना ठाकुर प्रियांशु सभी लोगों ने अपना काम बखूबी भी निखा निभाया हुआ था सभी की डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज परफॉर्मेंसेस अच्छी थी हाँ ईशान खत्तर के अलावा कोई और पर्सन रहता इस रोल के लिए तो ज्यादा फिट बेहता जो मेच्योर लग सके क्योंकि वो इसमें एक बॉयज़ टाइप का लुक उनका नजर आता है एक फील नहीं हो पाता कि ये क्योंकि जो उनके आसपास के एक्टर्स थे कैरेक्टर थे वो जिस तरह का उनका लुक तैयार हुआ था जिस तरह से वो फिल्म में दिख रहे थे उनके फिजिकली अगर विजुअली देखने कोशिश करें तो परफॉर्मेंसेस उनकी अच्छी थी लेकिन वो सूट नहीं हो पा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म में डायरेक्टर ने बखूबी सभी एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई हुई है उनका डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आता है जहाँ पे वो सिक्वेंस देखने को मिलते हैं जिसको अच्छी तरह से दिखाया हुआ था राइटिंग में कुछ जगह पर इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है वहीं पर कुछ जगह जगह पर ठीक ठाक भी नज़र आती है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी नज़र आती है नेट प्रोडक्शन वैल्यू थी स्टार कास्ट में ईशान खत्तर मनोराल ठाकुर प्रियांशु सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी एक अवल दर्जे की देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उन सभी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था वोर वाले सीन्स में भी जिस तरह से बीजेम बज रहा था जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो बढ़िया थी उन सभी चीज़ों को सिनेमाटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ है कैमरा वर्क इस फिल्म का काफ़ी शानदार नज़र आता है बेस्ट पॉसिबल वे में इस फिल्म के पूरे सीनारियों को दिखाने की कोशिश की हुई एडिटर ने बखूबी फिल्म के साथ एक अच्छा काम किया हुआ है सवा दो घंटे के आसपास के रन टाइम के साथ फिल्म के काफ़ी सारे एस्पेक्ट को दिखाने की कोशिश की हुई है म्यूजिक में हुए रहमान ने एक अच्छा काम किया है बैकग्राउंड स्कोर सुन के काफी अच्छे नजर आते हैं फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से वर्क कर जाते हैं ओवरऑल ये एक अच्छी फिल्म है देखने लायक फिल्म है लेकिन अगर ये थिएटर में फिल्म हो रिलीज होती शायद नहीं चल पाती क्योंकि फिल्म में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो थिएटर के लिए थिएटर ऑडियंस के लिए शायद थिएटर ना हो पाते लेकिन प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक स्मार्ट डिसीज़न लिया गया जहाँ पे इस फिल्म को अमेज़न के पास रिलीज़ करवाया हुआ है तो एक अच्छा डिसीज़न था ओ रिलीज़ के लिए फ़िल्म का जहाँ पे अमेजॉन के द्वारा फिल्म को रिलीज़ करवाया गया अमेज़ॉन ने जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया तब इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ है और एक डिसेंट आई रेटिंग भी मिली हुई है जहाँ पे अच्छी प्राइस में राइट्स बेचे गए थे म्यूजिक के राइट्स थे वो सी को बेचे गए थे जहाँ पे शायद जी सिनेमा के पास भी सैटेलाइट के राइट्स हो सकते हैं इस फिल्म को 10 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया है जहाँ पे पिप्पा फिल्म को जब रिलीज किया गया तो एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ आई एम डी पे करीबन पाँच सौ इक्यासी अवट मिले फिल्म को छः पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म को एक अच्छी व्यवरशिप हासिल हुई थी अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो पिप्पा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिश सब अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पिपा फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली इन्जॉय करना है तो कर सकते हो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे पिपा जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा ये फिल्म की कहानी वो कैप्टन बलराम सिंह मेहता के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे वो इंडिया के फोर्टी फिफ्थ कैलेवरली रेजिमेंट थे और इसके साथ में उनके साथ जिस तरह इंडो पाकिस्तान वॉर नाइनटीन में जो घटनाएं घटी थी वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है बेटल ऑफ गरीबपुर नाइनटीन से इस फिल्म के रियल लाइफ इंसिडेंट को इंस्पायर किया हुआ है डायरेक्शन किया हुआ है राजा कृष्णा मेनन ने राजा कृष्णा मेनन की ये एज अ डायरेक्टर के तौर पे आ, करीबन पाँचवीं छठी फिल्म थी इससे इससे पहले उन्होंने 2003 में बस यूं ही करके फिल्म से डायरेक्शन की शुरुआत की हुई थी 2009 में नौ में बारहाना बनाई थी उन्होंने उसके बाद में उन्होंने 2016 में एयरलिफ्ट फिल्म बनाई 2017 में सेफ फिल्म बनाई और दो में पिपा फिल्म लेके आए हुए स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में उन्होंने ही काम किया हुआ है जहाँ पे रविंद्र रंधावा तन्मय मोहन इन दोनों ने उनको राइटिंग में मदद की हुई थी रोनी स्क्रूवाला सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था आर एस वी पी मूवीज रॉय कपूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अमेजोन प्राइम वीडियो के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यूए था जहाँ पे एक सौ उनचालस मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया हुआ था क्योंकि फिल्म पहले थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी यानी कि फिल्म दो घंटे उन्नीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसकी टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी प्रिया सेठ ने की हुई एडिटिंग है वो हेमांति सरकार ने की हुई जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में ए आर रहमान ने काम किया हुआ है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने ही कंपोज किए हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तिसान खत्तर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने कैप्टन बलराम सिंह मेहता का रोल प्ले किया हुआ है गुरुाल ठाकुर ने राधे मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर प्रियांशु पाइनोली ने मेजर राम मेहता का रोल प्ले किया हुआ है रोनी राजदान ने सोनी रजदान ने इस फिल्म में मार्टी का रोल प्ले किया हुआ है इनाम उल हक को सिविल का रोल दिया गया था वहीं पे सूर्यांश पटेल ने रामपाल का, का, राम का रोल प्ले किया हुआ है अनुज सिंह दुल्हान को दुहान को इस फिल्म में स्पीडी का रोल मिला हुआ है कमल सदनाहा ने इस फिल्म में फील्ड मार्शल राम मैनेक्सो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा चंद्रचूर राय इस फिल्म में जेब के रोल में देखने को मिलेंगे सोह मजमूदार ने निर्बान का रोल प्ले किया हुआ है लेसन करीमोवा ने रशियन ट्रांसलेटर जेना का रोल प्ले किया हुआ है

बेचा गया था जहाँ पे प्रीमियर करवा गया था ट्रैक लिस्टिंग करे गानों की तो राम पेज करके जो गाना है उसको एम सी हेम ने लिखा हुआ था एम सी हेम और क्रिस्टल गरीब ने उसको गाया हुआ था मे परवान करके जो गाना था उसको सेल लेने लिखा हुआ था अजी सिंह ने उसको गाया हुआ था जज्बात गाने को सेल लेने लिखा हुआ था जो भी नोटअल सिल्पराव के द्वारा गवाया गया था करार करारोई उलोच कपात करके जो गाना था उसको काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा हुआ था राहुल दत्ता तीर्था भट्टाचार्य पी सी दास रेया पोल सालिनी मुखर्जी और दिलासा चौधरी ने उसको गाया हुआ था मोहब्बत सुक्रिया गाने को से लेने लिखा हुआ था विशाल मिश्रा और सुधेन डी मेलो ने उसको गाया हुआ था ये टोटल पांच गाने थे जिसके लिए थे उन्नीस मिनट उनचालीस सेकंड इसको रिलीज़ किया हुआ है सात नवंबर 2023 को जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा फिलहाल मेरे सभी गाने आपको वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी नाइन्टी वन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है कैप्टन बलराम सिंह मेहता के एंगल से इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इसके अलावा इस वॉर के अभी तक जितनी वॉर फिल्में देखी होगी आपको वॉर के ऊपर फोकस किया हुआ नजर आएगा इसमें इक्विपमेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है कौन से हथियार को लेकर इस फिल्म में लड़ा गया था किस तरह से क्या चीज़ें की हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई हुई है जहाँ पे ईशान खत्तर के परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं मनोनाथ ठाकुर प्रियांशु सभी लोगों ने अपना काम बखूबी भी निखा निभाया हुआ था सभी की डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज परफॉर्मेंसेस अच्छी थी हाँ ईशान खत्तर के अलावा कोई और पर्सन रहता इस रोल के लिए तो ज्यादा फिट बेहतर जो मेच्योर लग सके क्योंकि वो इसमें एक बॉयज टाइप का लुक उनका नजर आता है एक फील नहीं हो पाता कि ये क्योंकि जो उनके आसपास के एक्टर्स थे कैरेक्टर थे वो जिस तरह का उनका लुक तैयार हुआ था जिस तरह से वो फिल्म में दिख रहे थे उनके फिजिकली अगर विजुअली देखने कोशिश करें तो परफॉर्मेंसीस उनकी अच्छी थी लेकिन वो सूट नहीं हो पा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म में डायरेक्टर ने बखूबी सभी एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई हुई है उनका डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आता है जहाँ पे वो सिक्वेंस देखने को मिलते हैं जिसको अच्छी तरह से दिखाया हुआ था राइटिंग में कुछ जगह पर इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है वहीं पर कुछ जगह जगह पर ठीक ठाक भी नजर आती है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी नजर आती है नेट प्रोडक्शन वैल्यू थी स्टार कास्ट में ईशान ठाकुर अवल दर्जे की देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उन सभी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था वोर वाले में भी जिस तरह से बज रहा था जो सभी चीजें देखने को मिलती है वो बढ़िया थी उन सभी चीजों को सिनेमाटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ है कैमरा वर्क इस फिल्म का काफी शानदार नजर आता है बेस्ट पॉसिबल वे में इस फिल्म के पूरे सीनारियों को दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने बखूबी फिल्म के

प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक स्मार्ट डिसीज़न लिया गया जहाँ पे इस फिल्म को अमेज़न के पास रिलीज करवाया हुआ है तो एक अच्छा डिसीजन था ओ रिलीज के लिए फिल्म का जहाँ पे अमेजॉन के द्वारा फिल्म को रिलीज़ करवाया गया अमेजॉन ने जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया तब इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ है और एक डिसेंट आईएमडीबी रेटिंग भी मिली हुई है जहाँ पे अच्छी प्राइस में राइट्स बेचे गए थे म्यूजिक के राइट्स थे वो सी को बेचे गए थे जहाँ पे शायद जी सिनेमा के पास भी सैटेलाइट के राइट्स हो सकते हैं इस फिल्म को 10 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया है जहाँ पे पिप्पा फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तो एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ आई एम डी पे करीबन पाँच सौ इक्यासी वोट मिले फिल्म को छः पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म को एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई थी अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो पिप्पा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिश सब अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पिपा फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली इन्जॉय करना है तो कर सकते हो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे पिपा जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा ये फिल्म की कहानी वो कैप्टन बलराम सिंह मेहता के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे वो इंडिया के फोर्टी फिफ्थ कैलेवरली रेजिमेंट थे और इसके साथ में उनके साथ जिस तरह से इंडो पाकिस्तान वॉर नाइनटीन वन में जो घटनाएं घटी थी वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है बेटल ऑफ गरीबपुर नाइनटीन वन से इस फिल्म के रियल लाइफ इंसिडेंट को इंस्पायर किया हुआ है डायरेक्शन किया हुआ राजा कृष्णा मेनन ने राजा कृष्णा मेनन की ये एज अ डायरेक्टर के तौर पे आ, करीबन पाँचवीं छठी फिल्म थी इससे इससे पहले उन्होंने 2003 में बस यूं ही करके फिल्म से डायरेक्शन की शुरुआत की हुई थी 2009 में नौ में बारहाना बनाई थी उन्होंने उसके बाद में उन्होंने 2016 में एयरलिफ्ट फिल्म बनाई 2017 में सेफ फिल्म बनाई और 2023 में पिपा फिल्म लेके आए हुए स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में उन्होंने ही काम किया हुआ है जहाँ पे रविंद्र रंधावा तन्मय मोहन इन दोनों ने उनको राइटिंग में मदद की हुई थी रोनी स्क्रूवाला सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था आर एस वी पी मूवीज रॉय कपूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अमेजोन प्राइम वीडियो के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यूए था जहाँ पे एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया होता था क्योंकि फिल्म पहले थिएटर में रिलीज होने वाली थी यानी कि फिल्म दो घंटे उन्नीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसकी टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी प्रिया सेठ ने की हुई एडिटिंग है वो एव हेमांति सरकार ने की हुई जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में ए आर रहमान ने काम किया हुआ है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों ए रहमान ने ही कंपोज किए हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ईसान खत्तर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने कैप्टन बलराम सिंह मेहता का रोल प्ले किया हुआ है मुरुणाल ठाकुर ने राधे मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रियांशु पाइनली ने मेजर राम मेहता का रोल प्ले किया हुआ है रोनी रजदान ने सोनी रजदान ने इस फिल्म में मार्टी का रोल प्ले किया हुआ है इनाम हक को सिविल का रोल दिया गया था वहीं पे सूर्यांश पटेल ने रामपाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुज सिंह दुल्हान को दुहान

के जो गाना था उसको सेल लेने लिखा हुआ था अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था जज्बात गाने को सेल लेने लिखा हुआ था जो भी नोटियाल सील पर राव के द्वारा गवाया गया था करार वही उलोच कपात करके जो गाना था उसको काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा हुआ था राहुल दत्ता तीर्था भट्टाचार्य जी पी दास रेया पोल सालिनी मुखर्जी और दिलासा चौधरी ने उसको गाया हुआ था मोहब्बत सुक्रिया गाने को उसे लेने लिखा हुआ था विशाल मिश्रा और सुधेन डी मेलो ने उसको गाया हुआ था ये टोटल पांच गाने थे जिसके लिए लेंथ उन्नीस मिनट उनचालीस सेकंड इसको रिलीज किया हुआ है सात नवंबर 2023 को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा फिलहाल में सभी गाने आपको वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूटूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी नाइनटी में उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है कैप्टन बलराम सिंह मेहता के एंगल से इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इसके अलावा इस वॉर के अभी तक जितनी वॉर फिल्में देखी होगी आपको वॉर के ऊपर फोकस किया हुआ नजर आएगा इसमें इक्विपमेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है कौन से हथियार को लेकर इस फिल्म में लड़ा गया था किस तरह से क्या चीज़ें की हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई हुई है जहाँ पे ईशान खत्तर के परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं मोनाल ठाकुर प्रियांशु सभी लोगों ने अपना काम बखूबी बाखूबा निभाया हुआ था सभी की डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज परफॉर्मेंसेस अच्छी थी हाँ ईशान के अलावा कोई और पर्सन रहता इस रोल के लिए तो ज़्यादा फिट बेहता जो मेच्योर लग सके क्योंकि वो इसमें एक बॉयज टाइप का लुक उनका नजर आता है एक फील नहीं हो पाता कि ये क्योंकि जो उनके आसपास के एक्टर्स थे कैरेक्टर थे वो जिस तरह का उनका लुक तैयार हुआ था जिस तरह से वो फिल्म में दिख रहे थे उनके फिजिकली अगर विजुअली देखने कोशिश करें तो परफॉर्मेंसेस उनकी अच्छी थी लेकिन वो सूट नहीं हो पा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म में डायरेक्टर ने बखूबी सभी एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है उनका डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आता है जहाँ पे वो सीक्वेंस देखने को मिलते हैं जिसको अच्छी तरह से दिखाया हुआ था राइटिंग में कुछ जगह पर इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है वहीं पर कुछ जगह जगह पर ठीक ठाक भी नज़र आती है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी नज़र आती है नेट प्रोडक्शन वैल्यू थी स्टार कास्ट में ईशान खत्तर मनोलाल ठाकुर प्रियांशु सभी की परफॉर्मेंस काफी एक अवल दर्जे की देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उन सभी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था वोर वाले सीन्स में भी जिस तरह से बीजेम बज रहा था जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो बढ़िया थी उन सभी चीज़ों को सिनेमाटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ है कैमरा वर्क इस फिल्म का काफ़ी शानदार नज़र आता है बेस्ट पॉसिबल वे में इस फिल्म के पूरे सीनारियों को दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने बखूबी फिल्म के

प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक स्मार्ट डिसीज़न लिया गया जहाँ पे इस फिल्म को अमेज़ॉन के पास रिलीज़ करवाया हुआ है तो एक अच्छा डिसीज़न था ओ रिलीज़ के लिए फ़िल्म का जहाँ पे अमेज़ॉन के द्वारा फिल्म को रिलीज़ करवाया गया अमेज़ॉन ने जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया तब इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ है और एक डिसेंट आई रेटिंग भी मिली हुई है जहाँ पे अच्छी प्राइस में राइट्स बेचे गए थे म्यूजिक के राइट्स थे वो सी को बेचे गए थे जहाँ पे साइज जी सिनेमा के पास भी सैटेलाइट के राइट्स हो सकते हैं इस फिल्म को 10 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया है जहाँ पे पिप्पा फिल्म को जब रिलीज किया गया तो एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ आई एम डी पे करीबन पाँच सौ इक्यासी वोट मिले फिल्म को छः चे, पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म को एक अच्छी व्यवस्थिप हासिल हुई थी अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो पिप्पा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पिपा फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली इन्जॉय करना है तो कर सकते हो Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे पिपा जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जोनर है बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा ये फिल्म की कहानी वो कैप्टन बलराम सिंह मेहता के ऊपर बेस्ड है जहां पे वो इंडिया के, 45 के रेजिमेंट थे और इसके साथ में उनके साथ जिस तरह से इंडो पाकिस्तान वॉर नाइनटीन में जो घटनाएं घटी थी वो सभी चीजों के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है बेटल ऑफ गरीबपुर नाइनटीन से इस फिल्म के रियल लाइफ इंसिडेंट को इंस्पायर किया हुआ है। डायरेक्शन किया हुआ राजा कृष्णा मेनन ने राजा कृष्णा मेनन की ये एज अ डायरेक्टर के तौर पे आ, करीबन पाँचवीं छठी फिल्म थी इससे इससे पहले उन्होंने 2003 में बस यूं ही करके फिल्म से डायरेक्शन की शुरुआत की हुई थी 2009 में नौ में बारहाना बनाई थी उन्होंने उसके बाद में उन्होंने 2016 में एयरलिफ्ट फिल्म बनाई 2017 में सेफ फिल्म बनाई और 2023 में पिपा फिल्म लेके आए हुए स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में उन्होंने ही काम किया हुआ है जहाँ पे रविंद्र रंधावा तन्मय मोहन इन दोनों ने उनको राइटिंग में मदद की हुई थी रोनी स्क्रूवाला सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था आर एस वी पी मूवीज रॉय कपूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अमेजोन प्राइम वीडियो के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यूए था जहाँ पे एक सौ उनचालस मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया हुआ था क्योंकि फिल्म पहले थिएटर में रिलीज होने वाली थी यानी कि फिल्म दो घंटे उन्नीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसकी टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी प्रिया सेठ ने की हुई एडिटिंग है वो हेमांति सरकार ने की हुई जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में ए आर रहमान ने काम किया हुआ है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने ही कंपोज किए हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तोान खत्तर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने कैप्टन बलराम सिंह मेहता का रोल प्ले किया हुआ है गुरुाल ठाकुर ने राधे मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रियांशु पा ने मेजर राम मेहता का रोल प्ले किया हुआ है रोनी रसदान ने सोनी रजदान ने इस फिल्म में मार्टी का रोल प्ले किया हुआ है इनामुल हक को सिविल का रोल दिया गया था वहीं पे सूर्यांश पटेल ने रामपाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुज सिंह दुल्हान को दुहान को इस फिल्म में स्पीडी का रोल मिला हुआ है कमल सदनाहा ने इस फिल्म में फील्ड मार्शल राम मैनेक्सो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा चंद्रचूर राय इस फिल्म में जेब के रोल में देखने को मिलेंगे सोहम मजमूदार ने निर्बान का रोल प्ले किया हुआ है लेसन करीमोवा ने रशियन ट्रांसलेटर जेना का रोल प्ले किया हुआ है

बेचा गया था जहाँ पे प्रीमियर करवाया गया था ट्रैक लिस्टिंग करे गानों की तो रामपेज करके जो गाना है उसको एम सी हेम ने लिखा हुआ था एम सी हेम और क्रिस्टल गरीब ने उसको गाया हुआ था मे परवान करके जो गाना था उसको सेल लेने लिखा हुआ था रिजी सिंह ने उसको गाया हुआ था जज्बात गाने को सेल लेने लिखा हुआ था जो भी नोटअल सिल्पराव के द्वारा गवाया गया था करार करारोई उलोच कपात करके जो गाना था उसको काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा हुआ था राहुल दत्ता तीर्था भट्टाचार्य जी पी यूस दास रेया पोल सालिनी मुखर्जी और दिलासा चौधरी ने उसको गाया हुआ था मोहब्बत सुक्रिया गाने को से लेने लिखा हुआ था विशाल मिश्रा और सुधेन डी मेलो ने उसको गाया हुआ था ये टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथी उन्नीस मिनट उनचालीस सेकंड इसको रिलीज़ किया हुआ है सात नवंबर 2023 को जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा फिलहाल मेरे सभी गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूटूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी नाइन्टी वन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है कैप्टन बलराम सिंह मेहता के एंगल से इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इसके अलावा इस वॉर के अभी तक जितने वॉर फिल्में देखी होगी आपको वॉर के ऊपर फोकस किया हुआ नजर आएगा इसमें इक्विपमेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है का, कौन से हथियार को लेकर इस फिल्म में लड़ा गया था किस तरह से क्या चीज़ें की हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई हुई है जहाँ पे ईशान खत्तर के परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं मोनाल ठाकुर प्रियांशु सभी लोगों ने अपना कामबाखू भी निखा निभाया हुआ था सभी की डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज परफॉर्मेंसेस अच्छी थी हाँ ईशान खत्तर के अलावा कोई और पर्सन रहता इस रोल के लिए तो ज़्यादा फिट बेहतर जो मेच्योर लग सके क्योंकि वो इसमें एक बॉयज टाइप का लुक उनका नजर आता है एक फील नहीं हो पाता कि ये क्योंकि जो उनके आसपास के एक्टर्स थे कैरेक्टर थे वो जिस तरह का उनका लुक तैयार हुआ था जिस तरह से वो फिल्म में दिख रहे थे उनके फिजिकली अगर विजुअली देखने कोशिश करें तो परफॉर्मेंसिस उनकी अच्छी थी लेकिन वो सूट नहीं हो पा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म में डायरेक्टर ने बखूबी सभी एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई हुई है उनका डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आता है जहाँ पे वॉर सिक्वेंस देखने को मिलते है जिसको अच्छी तरह से दिखाया हुआ था राइटिंग में कुछ जगह पर इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है वहीं पर कुछ जगह जगह पर ठीक ठाक भी नज़र आते प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी नज़र आती है नेट प्रोडक्शन वैल्यू थी स्टार कास्ट में ईशान खत्तर मनोलाल ठाकुर पियां सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी एक अवल दर्जे की देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उन सभी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था वोर वाले सीन्स में भी जिस तरह से बीजेम बज रहा था जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो बढ़िया थी उन सभी चीज़ों को सिनेमाटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ है कैमरा वर्क इस फिल्म का काफ़ी शानदार नजर आता है बेस्ट पॉसिबल वे में इस फिल्म के पूरे सीनारियों को दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने बखूबी फिल्म के

प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक स्मार्ट डिसीज़न लिया गया जहाँ पे इस फिल्म को अमेज़न के पास रिलीज़ करवाया हुआ है तो एक अच्छा डिसीज़न था ओ रिलीज़ के लिए फ़िल्म का जहाँ पे अमेज़न के द्वारा फ़िल्म को रिलीज़ करवाया गया अमेज़न ने जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया तब इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ है और एक डिसेंट आईएमडीबी रेटिंग भी मिली हुई है जहाँ पे अच्छी प्राइस में राइट्स बेचे गए थे म्यूजिक के राइट्स थे वो सी को बेचे गए थे जहाँ पे शायद जी सिनेमा के पास भी सैटेलाइट के राइट्स हो सकते हैं इस फिल्म को 10 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया है जहाँ पे पिप्पा फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तो एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ आई एम डी पे करीबन पाँच सौ इक्यासी वोट मिले फिल्म को छः पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म को एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई थी अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो पिप्पा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिश सब अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पिपा फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली इन्जॉय करना है तो कर सकते हो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे पिपा जो दो हज़ार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा ये फिल्म की कहानी वो कैप्टन बलराम सिंह मेहता के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे वो इंडिया के फोर्टी फिफ्थ कैलेवरली रेजिमेंट थे और इसके साथ में उनके साथ जिस तरह इंडो पाकिस्तान वॉर नाइनटीन में जो घटनाएं घटी थी वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है बेटल ऑफ गरीबपुर नाइनटीन से इस फिल्म के रियल लाइफ इंसिडेंट को इंस्पायर किया हुआ है डायरेक्शन किया हुआ राजा कृष्णा मेनन ने राजा कृष्णा मेनन की ये एज़ अ डायरेक्टर के तौर पे आ, करीबन पाँचवीं छठी फिल्म थी इससे इससे पहले उन्होंने 2003 में बस यू ही करके फिल्म से डायरेक्शन की शुरुआत की हुई थी 2009 में बारहाना बनाई थी उन्होंने उसके बाद में उन्होंने 2016 में एयरलिफ्ट फिल्म बनाई 2017 में सेफ फिल्म बनाई और दो में पिप्पा फिल्म लेके आए हुए स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में उन्होंने ही काम किया हुआ है जहाँ पे रविंद्र रंधावा तन्मय मोहन इन दोनों ने उनको राइटिंग में मदद की हुई थी रोनी स्क्रूवाला सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था आर एस वी पी मूवीज रॉय कपूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अमेजोन प्राइम वीडियो के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यूए था जहाँ पे एक सौ उनचालीस मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया होता क्योंकि फिल्म पहले थिएटर में रिलीज होने वाली थी यानी कि फिल्म दो घंटे उन्नीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसकी टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी प्रिया सेठ ने की हुई एडिटिंग है वो हेमांति सरकार ने की हुई जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में ए आर रहमान ने काम किया हुआ है म्यूजिक के राइट ये म्यूजिक कंपनी के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने ही कंपोज किए हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तोान खत्तर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने कैप्टन बलराम सिंह मेहता का रोल प्ले किया हुआ है मृणाल ठाकुर ने राधे मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रियांशु पाइनुली पाइनोली ने मेजर राम मेहता का रोल प्ले किया हुआ है रोनी राजदान ने सोनी रजदान ने इस फिल्म में मार्टी का रोल प्ले किया हुआ है इनाम उल हक को सिविल का रोल दिया गया था वहीं पे सूर्यांश पटेल ने रामपाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुज सिंह दुल्हान को दुहान को इस फिल्म में इस का रोल मिला हुआ है कमल सदनाहा ने इस फिल्म में फील्ड मार्शल राम मैनेक्सो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा चंद्रचूर राय इस फिल्म में जेब के रोल में देखने को मिलेंगे सोह मजमूदार ने निर्बान का रोल प्ले किया हुआ है लेसन करीमोवा ने रशियन ट्रांसलेटर जेना का रोल प्ले किया हुआ है

बेचा गया था जहाँ पे प्रीमियर करवा गया था ट्रैक लिस्टिंग करे गानों की तो राम पेज करके जो गाना है उसको एम सी हेम ने लिखा हुआ था एम सी हेम और क्रिस्टल गरीब ने उसको गाया हुआ था मे परवान करके जो गाना था उसको सेल लेने लिखा हुआ था रिजी सिंह ने उसको गाया हुआ था जज्बात गाने को सेल लेने लिखा हुआ था जो भी नोटअल सिल पर राव के द्वारा गवाया गया था करारोई उलोच का पात करके जो गाना था उसको काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा हुआ था राहुल दत्ता तीर्था भट्टाचार्य पी सीसा दास रेया पोल सालिनी मुखर्जी और दिलासा चौधरी ने उसको गाया हुआ था मोहब्बत सुक्रिया गाने को से लेने लिखा हुआ था विशल मिश्रा और सुधेन डी मेलो ने उसको गाया हुआ था ये टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथ उन्नीस मिनट उनचालीस सेकंड इसको रिलीज़ किया हुआ है सात नवंबर 2023 को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा फिलहाल मेरे सभी गाने आपको वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी नाइनटी में उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है कैप्टन बलराम सिंह मेहता के एंगल्स इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इसके अलावा इस वॉर के अभी तक जितनी वॉर फिल्में देखी होगी आपको वॉर के ऊपर फोकस किया हुआ नज़र आएगा इसमें इक्विपमेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है कौन से हथियार को लेकर इस फिल्म में लड़ा गया था किस तरह से क्या चीज़ें की हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई हुई है जहाँ पर ईशान खत्तर की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं मरुणाल ठाकुर प्रियांशु सभी लोगों ने अपना काम बखूबी भी निखा निभाया हुआ था सभी की डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज परफॉर्मेंसेस अच्छी थी हाँ ईशान के अलावा कोई और पर्सन रहता है इस रोल के लिए तो ज़्यादा फिट बेहता जो मेच्योर लग सके क्योंकि वो इसमें एक बॉयज़ टाइप का लुक उनका नजर आता है एक फील नहीं हो पाता कि ये क्योंकि जो उनके आसपास के एक्टर्स थे कैरेक्टर थे वो जिस तरह का उनका लुक तैयार हुआ था जिस तरह से वो फिल्म में दिख रहे थे उनके फिजिकली अगर विजुअली देखने कोशिश करें तो परफॉर्मेंसेस उनकी अच्छी थी लेकिन वो सूट नहीं हो पा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म में डायरेक्टर ने बखूबी सभी एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई हुई है उनका डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आता है जहाँ पे वो सीक्वेंस देखने को मिलते हैं जिसको अच्छी तरह से दिखाया हुआ था राइटिंग में कुछ जगह पर इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है वहीं पर कुछ जगह जगह पर ठीक ठाक भी नजर आती है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी नज़र आती है नेट प्रोडक्शन वैल्यू थी स्टार कास्ट में ईशान खत्तर मनोलाल ठाकुर पियां सभी की परफॉर्मेंस काफी एक अवल दर्जे की देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उन सभी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था वोर वाले सीन्स में भी जिस तरह से बीजेम बज रहा था जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो बढ़िया थी उन सभी चीज़ों को सिनेमाटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ है कैमरा वर्क इस फिल्म का काफ़ी शानदार नजर आता है बेस्ट पॉसिबल वे में इस फिल्म के पूरे सीनारियों को दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने बखूबी फिल्म के

प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक स्मार्ट डिसीजन लिया गया जहां पे इस फिल्म को अमेज़ॉन के पास रिलीज़ करवाया हुआ है तो एक अच्छा डिसीजन था ओ रिलीज के लिए फिल्म का जहाँ पे अमेजन के द्वारा फिल्म को रिलीज़ करवाया गया अमेजन ने जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया तब इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ है और एक डिसेंट आईएमडीबी रेटिंग भी मिली हुई है जहाँ पे अच्छी प्राइस में राइट्स बेचे गए थे म्यूजिक के राइट्स थे वो सी को बेचे गए थे जहाँ पे साइज जी सिनेमा के पास भी सैटेलाइट के राइट्स हो सकते हैं इस फिल्म को 10 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया जहाँ पे पिप्पा फिल्म को जब रिलीज किया गया तो एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ आई एम डी पे करीबन पाँच सौ इक्यासी वोट मिले फिल्म को छः पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म को एक अच्छी व्यवरशिप हासिल हुई थी अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो पिप्पा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिश सब अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पिपा फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली इन्जॉय करना है तो कर सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्स हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे पिपा जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जोनर है बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा ये फिल्म की कहानी वो कैप्टन बलराम सिंह मेहता के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे वो इंडिया के फोर्टी फिफ्थ कैलेवरली रेजिमेंट थे और इसके साथ में उनके साथ जिस तरह से इंडो पाकिस्तान वॉर नाइनटीन वन में जो घटनाएं घटी थी वो सभी चीज़ों के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है बेटल ऑफ गरीबपुर नाइनटीन वन से इस फिल्म के रियल लाइफ इंसिडेंट को इंस्पायर किया हुआ है डायरेक्शन किया हुआ है राजा कृष्णा मेनन ने राजा कृष्णा मेनन की ये एज अ डायरेक्टर के तौर पे आ, करीबन पाँचवीं छठी फिल्म थी इससे इससे पहले उन्होंने 2003 में बस यूं ही करके फिल्म से डायरेक्शन की शुरुआत की हुई थी 2009 में नौ में बारहाना बनाई थी उन्होंने उसके बाद में उन्होंने 2016 में एयरलिफ्ट फिल्म बनाई 2017 में सेफ फिल्म बनाई और 2023 में पिपा फिल्म लेके आए हुए स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में उन्होंने ही काम किया हुआ है जहाँ पे रविंद्र रंधावा तन्मय मोहन इन दोनों ने उनको राइटिंग में मदद की हुई थी रोनी स्क्रूवाला सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था आर एस वी पी मूवीज रॉय कपूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अमेजोन प्राइम वीडियो के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यू था जहाँ पे एक सौ उनचालस मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया हुआ था क्योंकि फिल्म पहले थिएटर में रिलीज होने वाली थी यानी कि फिल्म दो घंटे उन्नीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसकी टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी प्रिया सेठ ने की हुई एडिटिंग है वो एव हेमांति सरकार ने की हुई जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में ए आर रहमान ने काम किया हुआ है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने ही कंपोज किए हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तोान खत्तर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने कैप्टन बलराम सिंह मेहता का रोल प्ले किया हुआ है गुरुाल ठाकुर ने राधे मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर प्रियाशु पाइनली पा, ने मेजर राम मेहता का रोल प्ले प्ले किया हुआ है रोनी रजदान ने सोनी रजदान ने इस फिल्म में मार्टी का रोल प्ले किया हुआ है इनाम हक को सिविल का रोल दिया गया था वहीं पे सूर्यांश पटेल ने रामपाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुज सिंह दुल्हान को दुहान को इस फिल्म

गाना था उसको सेल लेने लिखा हुआ था अजी सिंह ने उसको गाया हुआ था जज्बात गाने को सेल लेने लिखा हुआ था जो भी नोटअल सिल्पराव के द्वारा गवाया गया था करार करारोई उलोच कपात करके जो गाना था उसको काजी इस्लाम ने लिखा हुआ था राहुल दत्ता तीर्था भट्टाचार्य पी सी दास रे या सालिनी मुखर्जी और दिलासा चौधरी ने उसको गाया हुआ था मोहब्बत सुक्रिया गाने को से लेने लिखा हुआ था विशल मिश्रा और सुदेन डी मेलो ने उसको गाया हुआ था ये टोटल पांच गाने थे जिसके लिए थे उन्नीस मिनट उनचालीस सेकंड इसको रिलीज़ किया हुआ है सात नवंबर दो को जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा फिलहाल मेरे सभी गाने आपको वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी नाइन्टी सेवेंटी वन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है कैप्टन बलराम सिंह मेहता के एंगल से इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इसके अलावा इस वॉर के अभी तक जितने वॉर फिल्में देखी होगी आपको वॉर के ऊपर फोकस किया हुआ नजर आएगा इसमें इक्विपमेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है कौन से हथियार को लेकर इस फिल्म में लड़ा गया था किस तरह से क्या चीज़ें की हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई हुई है जहाँ पर ईशान खत्तर के परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं रोनाल्ड ठाकुर प्रियांशु सभी लोगों ने अपना काम बखूबी निखा निभाया हुआ था सभी की डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज परफॉर्मेंसेस अच्छी थी हाँ ईशान खत्तर के अलावा कोई और पर्सन रहता है इस रोल के लिए तो ज्यादा फिट बेहता जो मेच्योर लग सके क्योंकि वो इसमें एक बॉयज टाइप का लुक उनका नजर आता है एक फील नहीं हो पाता कि ये क्योंकि जो उनके आसपास के एक्टर्स थे कैरेक्टर थे वो जिस तरह का उनका लुक तैयार हुआ था जिस तरह से वो फिल्म में दिख रहे थे उनके फिजिकली अगर विजुअली देखने कोशिश करें तो परफॉर्मेंसिस उनकी अच्छी थी लेकिन वो सूट नहीं हो पा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म में डायरेक्टर ने बखूबी सभी एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई हुई है उनका डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आता है जहाँ पे वोर सिक्वेंस देखने को मिलती है जिसको अच्छी तरह से दिखाया हुआ था राइटिंग में कुछ जगह पर इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है वहीं पर कुछ जगह जगह पे ठीक ठाक भी नजर आती है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी नज़र आती है नेट प्रोडक्शन वैल्यू थी स्टार कास्ट में ईशान खत्तर मन ठाकुर पियां सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी एक अवल दर्जे की देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उन सभी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था वोर वाले सीन्स में भी जिस तरह से बीजेम बज रहा था जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो बढ़िया थी उन सभी चीज़ों को सिनेमाटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ है कैमरा वर्क इस फिल्म का काफ़ी शानदार नजर आता है बेस्ट पॉसिबल वे में इस फिल्म के पूरे सीनारियों को दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने बखूबी फिल्म के

प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक स्मार्ट डिसीज़न लिया गया है जहाँ पे इस फिल्म को अमेज़न के पास रिलीज करवाया हुआ है तो एक अच्छा डिसीजन था ओ रिलीज के लिए फिल्म का जहाँ पे अमेजॉन के द्वारा फिल्म को रिलीज़ करवाया गया अमेज़ॉन ने जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया तब इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ है और एक डिसेंट आई रेटिंग भी मिली हुई है जहाँ पे अच्छी प्राइस में राइट्स बेचे गए थे म्यूजिक के राइट्स थे वो सी को बेचे गए थे जहाँ पे शायद जी सिनेमा के पास भी सैटेलाइट के राइट्स हो सकते हैं इस फिल्म को 10 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया जहाँ पे पिप्पा फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तो एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ आई एम डी पे करीबन पाँच सौ इक्यासी वोट मिले फिल्म को छः पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म को एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई थी अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो पिप्पा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिश सब अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पिपा फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली इन्जॉय करना है तो कर सकते हो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे पिपा जो दो हज़ार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जो है बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा ये फिल्म की कहानी वो कैप्टन बलराम सिंह मेहता के ऊपर बेस्ड है जहां पे वो इंडिया के इंडो पाकिस्तान वॉर नाइनटीन सेवनटी वन में जो घटनाएं घटी थी वो सभी चीजों के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है बेटल ऑफ गरीबपुर नाइनटीन वन से इस फिल्म के रियल लाइफ इंसिडेंट को इंस्पायर किया हुआ है। डायरेक्शन किया हुआ है राजा कृष्णा मेनन ने राजा कृष्णा मेनन की ये एज़ अ डायरेक्टर के तौर पे आ, करीबन पाँचवीं छठी फिल्म थी इससे इससे पहले उन्होंने 2003 में बस यूं ही करके फिल्म से डायरेक्शन की शुरुआत की हुई थी 2009 में नौ में बारहाना बनाई थी उन्होंने उसके बाद में उन्होंने 2016 में एयरलिफ्ट फिल्म बनाई 2017 में सेफ फिल्म बनाई और 2023 में पिपा फिल्म लेके आए हुए स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में उन्होंने ही काम किया हुआ है जहाँ पे रविंद्र रंधावा तन्मय मोहन इन दोनों ने उनको राइटिंग में मदद की हुई थी रोनी स्क्रूवाला सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था आर एस वी पी मूवीज रॉय कपूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अमेजोन प्राइम वीडियो के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यूए था जहाँ पे एक सौ उनचालस मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया होता क्योंकि फिल्म पहले थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी यानी कि फिल्म दो घंटे उन्नीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसकी टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी प्रिया सेठ ने की हुई एडिटिंग है वो हेमांति सरकार ने की हुई जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में ए आर रहमान ने काम किया हुआ है म्यूजिक के राइट जी म्यूज़िक कंपनी के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों ए रहमान ने ही कंपोज किए हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ईशान खत्तर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने कैप्टन बलराम सिंह मेहता का रोल प्ले किया हुआ है मृणाल ठाकुर ने राधे मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्रियांशु पाइनुली ने मेजर राम मेहता का रोल प्ले किया हुआ है रोनी राजदान ने सोनी रसदान ने इस फिल्म में मार्टी का रोल प्ले किया हुआ है इनाम उलह हक को सिविल तो का रोल दिया गया था वहीं पे सूर्यांश पटेल ने रामपाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुज सिंह दुल्हान को दुहान को इस फिल्म में स्पीडी का रोल मिला हुआ है कमल सदनाहा ने इस फिल्म में फील्ड मार्शल राम मैनेक्सो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा चंद्रचूर राय इस फिल्म में जेब के रोल में देखने को मिलेंगे सोह मजमूदार ने निर्बान का रोल प्ले किया हुआ है लेसन करीमोवा ने रशियन ट्रांसलेटर जेना का रोल प्ले किया हुआ है

बेचा गया था जहाँ पे प्रीमियर करवा गया था ट्रैक लिस्टिंग करे गानों की तो राम पेज करके जो गाना है उसको एम सी हेम ने लिखा हुआ था एम सी हेम और क्रिस्टल गरीब ने उसको गाया हुआ था मे परवान गा करके जो गाना था उसको सेल लेने लिखा हुआ था अजी सिंह ने उसको गाया हुआ था जज्बात गाने को सेल लेने लिखा हुआ था जो भी नोटियाल सिल पराव के द्वारा गवाया गया था करारोई उलोच का पात करके जो गाना था उसको काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा हुआ था राहुल दत्ता तीर्था भट्टाचार्य पी सी दास रेया पोल सालिनी मुखर्जी और दिलासा चौधरी ने उसको गाया हुआ था मोहब्बत सुख्रिया गाने को उसे लेने लिखा हुआ था विशाल मिश्रा और सुधेन डी मेलो ने उसको गाया हुआ था ये टोटल पांच गाने थे जिसके जिसकी लेंथ उन्नीस मिनट उनचालीस सेकंड इसको रिलीज किया हुआ है सात नवंबर 2023 को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा फिलहाल में सभी गाने आपको वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहानी के ऊपर तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी नाइन्टी वन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है कैप्टन बलराम सिंह मेहता के एंगल से इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इसके अलावा इस वॉर के अभी तक जितने वॉर फिल्में देखी होगी आपको वॉर के ऊपर फोकस किया हुआ नजर आएगा इसमें इक्विपमेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है कौन से हथियार को लेकर इस फिल्म में लड़ा गया था किस तरह से क्या चीज़ें की हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई हुई है जहाँ पे ईशान खत्तर के परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं मोनाल ठाकुर प्रियांशु सभी लोगों ने अपना कामबाखू भी निखा निभाया हुआ था सभी की डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज परफॉर्मेंसेज अच्छी थी हाँ ईशान खत्तर के अलावा कोई और पर्सन रहता इस रोल के लिए तो ज़्यादा फिट बेहता जो मेच्योर लग सके क्योंकि वो इसमें एक बॉयज टाइप का लुक उनका नजर आता है एक फील नहीं हो पाता कि ये क्योंकि जो उनके आसपास के एक्टर्स थे कैरेक्टर थे वो जिस तरह का उनका लुक तैयार हुआ था जिस तरह से वो फिल्म में दिख रहे थे उनके फिजिकली अगर विजुअली देखने कोशिश करें तो परफॉर्मेंसेज उनकी अच्छी थी लेकिन वो सूट नहीं हो पा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म में डायरेक्टर ने बखूबी सभी एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई हुई है उनका डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आता है जहाँ पे वो सिक्वेंस देखने को मिलते हैं जिसको अच्छी तरह से दिखाया हुआ था राइटिंग में कुछ जगह पर इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है वहीं पर कुछ जगह जगह पर ठीक ठाक भी नज़र आती है प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी नज़र आती है नेट प्रोडक्शन वैल्यू थी स्टार कास्ट में ईशान ठाकुर सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी एक की देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उन सभी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था वोर वाले में भी जिस तरह से बज रहा था जो सभी चीजें देखने को मिलती है वो बढ़िया थी उन सभी चीजों को सिनेमाटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ है कैमरा वर्क इस फिल्म का काफी शानदार नजर आता है बेस्ट पॉसिबल वे में इस फिल्म के पूरे सीनारियों को दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने बखूबी फिल्म के साथ

प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक स्मार्ट डिसीज़न लिया गया जहाँ पे इस फिल्म को अमेज़न के पास रिलीज़ करवाया हुआ है तो एक अच्छा डिसीज़न था ओ रिलीज के लिए फ़िल्म का जहाँ पे अमेज़ॉन के द्वारा फिल्म को रिलीज़ करवाया गया अमेज़ॉन ने जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया तब इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ है और एक डिसेंट आई रेटिंग भी मिली हुई है जहाँ पे अच्छी प्राइस में राइट्स बेचे गए थे म्यूजिक के राइट्स थे वो सी को बेचे गए थे जहाँ पे साइज जी सिनेमा के पास भी सेटेलाइट के राइट्स हो सकते हैं इस फिल्म को 10 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया है जहाँ पे पिप्पा फिल्म को जब रिलीज किया गया तो एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ आई एम डी पे करीबन पाँच वोट मिले फिल्म को छः चे, पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म को एक अच्छी व्यवरशिप हासिल हुई थी अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो पिप्पा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिश सब अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पिपा फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली इन्जॉय करना है तो कर सकते हो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्स हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे पिपा जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है फिल्म का जोनर है बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा ये फिल्म की कहानी वो कैप्टन बलराम सिंह मेहता के ऊपर बेस्ड है जहां पे वो इंडिया के फोर्टी फिफ्थ कैलेवरली रेजिमेंट थे और इसके साथ में उनके साथ जिस तरह से इंडो पाकिस्तान वॉर नाइनटीन वन में जो घटनाएं घटी थी वो सभी चीजों के ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है बेटल ऑफ गरीबपुर नाइनटीन वन से इस फिल्म के रियल लाइफ इंसिडेंट को इंस्पायर किया हुआ है। डायरेक्शन किया हुआ राजा कृष्णा मेनन ने राजा कृष्णा मेनन की ये एज अ डायरेक्टर के तौर पे आ, करीबन पाँचवीं छठी फिल्म थी इससे इससे पहले उन्होंने 2003 में बस यूं ही करके फिल्म से डायरेक्शन की शुरुआत की हुई थी 2009 में नौ में बारहाना बनाई थी उन्होंने उसके बाद में उन्होंने 2016 में एयरलिफ्ट फिल्म बनाई 2017 में सेफ फिल्म बनाई और दो में पिप्पा फिल्म लेके आए हुए स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले में उन्होंने ही काम किया हुआ है जहाँ पे रविंद्र रंधावा तन्मय मोहन इन दोनों ने उनको राइटिंग में मदद की हुई थी रोनी स्क्रूवाला सिद्धार्थ रॉय कपूर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एक मीडियम बजट काइंड ऑफ फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था आर एस वी पी मूवीज रॉय कपूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अमेजोन प्राइम वीडियो के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन यूए था जहाँ पे एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया हुआ था क्योंकि फिल्म पहले थिएटर में रिलीज होने वाली थी यानी कि फिल्म दो घंटे उन्नीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसकी टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी प्रिया सेठ ने की हुई एडिटिंग है वो एव हेमांति सरकार ने की हुई जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में ए आर रहमान ने काम किया हुआ है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी के पास है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने ही कंपोज किए हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया हुआ था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो ईसान खत्तर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने कैप्टन बलराम सिंह मेहता का रोल प्ले किया हुआ है मृणाल ठाकुर ने राधे मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर प्रियाशु पाइनली ने मेजर राम मेहता का रोल प्ले किया हुआ है रोनी रजदान ने सोनी रजदान ने इस फिल्म में माति का रोल प्ले किया हुआ है इनाम हक को सिविल का रोल दिया गया था वहीं पे सूर्यांश पटेल ने रामपाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुज सिंह दुल्हान को दुहान को इस फिल्म में स्पीडी का रोल मिला हुआ है कमल सदनाहा ने इस फिल्म में फील्ड मार्शल राम मैनेक्सो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा चंद्रचूर राय इस फिल्म में जेब के रोल में देखने को मिलेंगे सोह मजमूदार ने निर्बान का रोल प्ले किया हुआ है लेसन करीमोवा ने रशियन ट्रांसलेटर जेना का रोल प्ले किया हुआ है

बेचा गया था जहाँ पे प्रीमियर करवाया गया था ट्रैक लिस्टिंग करे गानों की तो राम पेज करके जो गाना है उसको एम सी हेम ने लिखा हुआ था एम सी हेम और क्रिस्टल गरीब ने उसको गाया हुआ था मे परवान करके जो गाना था उसको शेले लेने लिखा हुआ था रिजी सिंह ने उसको गाया हुआ था जज्बात गाने को शेले लेने लिखा हुआ था जो भी नोटअल सिल्पराव के द्वारा गवाया गया था करार करारोई उलोच कपात करके जो गाना था उसको काजी इस्लाम ने लिखा हुआ था राहुल दत्ता तीर्था भट्टाचार्य जी पी सी दास रे या पोल सालिनी मुखर्जी और दिलासा चौधरी ने उसको गाया हुआ था मोहब्बत सुक्रिया गाने को से लेने लिखा हुआ था विशल मिश्रा और सुदेन डी मेलो ने उसको गाया हुआ था ये टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथी उन्नीस मिनट उनचालीस सेकंड इसको रिलीज़ किया हुआ है सात नवंबर दो को जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा फिलहाल मेरे सभी गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म के कॉन्सेप्ट कौ, के ऊपर कहानी के ऊपर तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी नाइनटी वन सेवेंटी वन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी सेट की हुई है कैप्टन बलराम सिंह मेहता के एंगल से इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इसके अलावा इस वॉर के अभी तक जितने वॉर फिल्में देखी होगी आपको वॉर के ऊपर फोकस किया हुआ नजर आएगा इसमें इक्विपमेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है का, कौन से हथियार को लेकर इस फिल्म में लड़ा गया था किस तरह से क्या चीज़ें की हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म दिखाई हुई है जहाँ पे ईशान खत्तर के परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं मनोनाल ठाकुर प्रियांशु सभी लोगों ने अपना कामबाखू भी निखा निभाया हुआ था सभी के डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज परफॉर्मेंसेस अच्छी थी हाँ ईशान खत्तर के अलावा कोई और पर्सन रहता इस रोल के लिए तो ज़्यादा फिट बेहतर जो मेच्योर लग सके क्योंकि वो इसमें एक बॉयज टाइप का लुक उनका नजर आता है एक फील नहीं हो पाता कि ये क्योंकि जो उनके आसपास के एक्टर्स थे कैरेक्टर थे वो जिस तरह का उनका लुक तैयार हुआ था जिस तरह से वो फिल्म में दिख रहे थे उनके फिजिकली अगर विजुअली देखने कोशिश करें तो परफॉर्मेंसिस उनकी अच्छी थी लेकिन वो सूट नहीं हो पा रहे थे जहाँ पे इस फिल्म में डायरेक्टर ने बखूबी सभी एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई हुई है उनका डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा बेटर नज़र आता है जहाँ पे वो सिक्वेंस देखने को मिलती है जिसको अच्छी तरह से दिखाया हुआ था राइटिंग में कुछ जगह पर इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है वहीं पर कुछ जगह जगह पर ठीक ठाक भी नजर आते प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की अच्छी नज़र आती है नेट प्रोडक्शन वैल्यू थी स्टार कास्ट में ईशान खत्र मनोलाल ठाकुर प्रियांशु सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी एक अवल दर्जे की देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उन सभी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था वोर वाले सीन्स में भी जिस तरह से बीजेम बज रहा था जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो बढ़िया थी उन सभी चीज़ों को सिनेमाटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया हुआ है कैमरा वर्क इस फिल्म का काफ़ी शानदार नजर आता है बेस्ट पॉसिबल वे में इस फिल्म के पूरे सीनारियों को दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने बखूबी फिल्म के साथ एक अच्छा काम किया हुआ है सवा दो घंटे के आसपास के रन टाइम के साथ फिल्म के काफी सारे एस्पेक्ट को दिखाने की कोशिश की हुई है म्यूजिक में मैर रहमान ने एक अच्छा काम किया है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुन के काफी अच्छे नजर आते हैं फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से वर्क कर जाते हैं ओवरऑल ये एक अच्छी फिल्म है देखने लायक फिल्म है लेकिन अगर ये थिएटर में फिल्म हो रिलीज होती शायद नहीं चल पाती क्योंकि फिल्म में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो थिएटर के लिए थिएटर ऑडियंस के लिए शायद थिएटर ना हो पाते लेकिन प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक स्मार्ट डिसीज़न लिया गया है जहाँ पे इस फिल्म को अमेज़न के पास रिलीज करवाया हुआ है तो एक अच्छा डिसीजन था ओ रिलीज के लिए फिल्म का जहाँ पे अमेजॉन के द्वारा फिल्म को रिलीज़ करवाया गया अमेजॉन ने जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया तब इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ है और एक डिसेंट आई रेटिंग भी मिली हुई है जहाँ पे अच्छी प्राइस में राइट्स बेचे गए थे म्यूजिक के राइट्स थे वो सी को बेचे गए थे जहाँ पे साय जी सिनेमा के पास भी सेटेलाइट के राइट्स हो सकते हैं इस फिल्म को 10 नवंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया है जहाँ पे पिप्पा फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तो एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ आई एम डी पे करीबन पाँच सौ इक्यासी वोट मिले फिल्म को छः पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म को एक अच्छी व्यवरशिप हासिल हुई थी अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो पिप्पा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देख सकते हो विथ इंग्लिश सब Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पीपा फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली इन्जॉय करना है तो कर सकते हो Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो बस गाइज पिपा फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी मैंने शेयर कर दी इस फिल्म को कैसे कहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है कहानी के ऊपर चर्चा की हुई आर्टिस्ट के बारे में बातचीत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी दे दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू